ये फोटो मेरी सिस्टर नैन्सी की है। आज तक उसका भाई टकला था, अब ये बाल वाला होगा। क्या खुशखबरी है भाई। मिस्टर अमार, उम्मीद है तुम फिर कोई क्राइम नहीं करोगे। भरोसा नहीं। प्रॉमिस करो तुम यहाँ नहीं आओगे। यहाँ के बर्गर चिप्स की याद आई तो कभी कभार चखने जरूर आ जाऊंगा। इसका सामान इसको दे दो। मिस्टर अमार, आपके लिए आपके पापा की अमानत। आप उनके लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिशियरी हैं। बापू दुनिया में ना होकर भी आप उनकी हेल्प कर रहे। तो थैंक यू बापू, थारी आत्मा अमर रहे। चलता हूँ। अंदर से टूटेले आदमी को अगर हौसले की खटिया मिल जाए तो चील की छपटी हुई बोटी भी वो आसमान। इधर लाउंज है, उधर किचन है और वहां से पूरा अमेरिका दिखता है। दूर की छोटी चीजें भी दूरबीन से बड़ी नजर आती है। बाहर सर्दी का मौसम है लेकिन मेरे अंदर बदले की आग जल रही है। पहले किसका ग्रीन कार्ड बन करूं? ये रहा आपका खाना। ओके, टेबल पर रखो और जाओ। डॉक्टर, मिस्टर राजवीर, मुझे फिर से एलर्जी हो गई है, जरा जल्दी आ जाइए प्लीज। कौन है तू? तेरी खुजली कोई डॉक्टर नहीं, मैच मिटा सकता है। तेरे को याद है तेरे को रिंग किसने पहनाई थी? अमर, अमर। अबे तूने मेरे साथ? तुझे खुजली का अटैक देने के लिए मैंने तेरे खाने में मछली का तेल मिलाया। मुझे मछली से एलर्जी है, ये तुझे कैसे पता? नारी चाहे देसी हो या विदेशी, उसे अपनी जत प्यारी होती है। रियाना, चुमा दे किस कर मुझे। रिश्ते में जरूरी होता है भरोसा, विश्वास। अंगूठी वापस कर, उतार जल्दी। तेरे को इसकी नहीं, इसकी जरूरत है। ये एलर्जी का एंटीडोज है। इस डोज के साथ जब एंटीडोज मिलेगा तब तेरी आत्मा परमात्मा से जाकर मिलेगी। प्लीज ऐसा मत कर, अगले महीने मेरी शादी है, मैं मरना नहीं चाहता। एक राज की बात बताता हूँ, मेरी बॉडी का मदरबोर्ड जल चुका है, इसीलिए मेरे दिमाग की छठी नस फेल हो चुकी है जो अब तेरा हार्ट फेल करेगी। तेरी फैमिली को मैंने मारा है, मुझे माफ कर दे। आप उनका बापू दयालु है, क्षमा कर देगा। उसके कदमों में गिरकर माफी मांग लो। बस कर।
दुनिया का पहला मरीज होगा जो डॉक्टर के इंजेक्शन से बचेगा नहीं मरेगा। बच्चा हटेला ना हो इसलिए उसे टीके दिया करो। ओ माय गॉड, डोंट वरी, मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ। रिलैक्स, तुम ठीक हो जाओगे। चेक करो। ओ गॉड, ही इज नो मोर। मरने की वजह क्या है डॉक्टर? कोई खास बात नहीं सर, फूड एलर्जी की वजह से। किस तरह का फूड? सी फूड। एलर्जी के बारे में जानते हुए भी ये सी फूड क्यों खाएगा? We don't know. अगर नहीं जानते तो कुछ भी बयान देने से पहले 100 बार सोच लिया करो। ये निशान कैसा है? We don't know. बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। तलवे पे इंजेक्शन किसने लगाया? हाथ से अंगूठी भी गायब है, किस लिए मारा होगा? बच्चे से पूछेंगे तो भी बता देगा, अंगूठी के लिए। उस घड़ी की कीमत 1 करोड़ है, अगर चोरी ही करना होता तो उस अंगूठी के साथ वो घड़ी भी ले जाता। पैसे बचाने के लिए आप दाढ़ी तक घर में बनाते हो तो फ्री में इतना इंटरेस्ट क्यों? बाबा कहते हैं कर भला तो हो भला। आप और किसी का भला? हाँ चंदू, पैसे के लिए मदद करना पुण्य का काम है। ओ मतलब डील। 50 करोड़, उन पैसों से जम के अय्याशी करेंगे, तू भी साथ चलना। सर पलटी तो नहीं मारोगे? तू मुझे उल्लू का पट्टा समझता है? नहीं सर, मैं फसल उगाने से पहले ही अंदाजा लगा लेता हूँ कि मुनाफा कितना होगा। आ मेरे साथ। जिन लोगों ने अपुन के हंसते खेलते परिवार को मारा उनमें से एक का काम अपुन ने तमाम कर डाला। ऐश्वर्या मेरी बुक वापस करो। नहीं दूंगी, पहले मुझे पकड़ो। देखो है ना जादू, इस मैजिक बॉल में सब उल्टा दिखता है। विश्वास सृष्टि में इससे बढ़कर कुछ नहीं, लेकिन दुनिया में विश्वास तोड़ने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। ये कहानी है विश्वास, विश्वासघात, प्रेम और बदले की। फिडो यानी विश्वास, ट्रस्ट। दो दोस्तों ने एक छोटी फार्मा कंपनी शुरू की, अपनी लगन और मेहनत से उसे एक बिजनेस एम्पायर में तब्दील कर दिया। फिडो फार्मा ग्रुप, ये है वो जिगरी दोस्त आनंद प्रसाद, संजय मित्रा। साथ में पढ़ाई की और एक साथ अमेरिका गए। वो दोनों एक दूसरे की जान थे। खुशकिस्मती से उनकी पत्नियां भी आपस में बेस्ट फ्रेंड्स बनी। आनंद प्रसाद को एक बेटा हुआ जिसका नाम था अमर, और फिर संजय के घर एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम था ऐश्वर्या। अब दोनों परिवारों की एक ही ख्वाहिश थी कि उनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। ये तुम लोगों का नहीं, खुदा का फैसला है। इस रिश्ते से जलाल बहुत खुश था। जलाल इन सबके जीवन का एक अहम हिस्सा था। पढ़ाई हो या पैसा, दोनों में ही वो उनके बराबर नहीं था, लेकिन अमेरिका उसे ये दोनों दोस्त ही लेकर आए थे। अमर और ऐश्वर्या के रिश्ते पे वक्त ने मोहर लगा दी। जानना चाहेंगे उनकी केमिस्ट्री कैसी थी? क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों हो? होमवर्क समझ ही नहीं आ रहा। That's it. Thank you. क्या तुम हमेशा इसी तरह मेरी मदद करोगे? हाँ। Promise? Promise. पूरा परिवार बहुत खुश था। ऐसा लगता था जैसे खुशी उस परिवार का एक सदस्य बन चुकी थी। साबू, फैक्ट्री से गैर कानूनी ड्रग्स चुरा के जो हम माफिया को बेचते हैं, वो इसे पता चल गया है। थोड़ा पहले लाते तो मछली की जगह इसे भून देता। तो अभी भून डालते ना, फिर इसे कौन खाएगा? दुनिया में जो भी आता है उसे इस बेरहम दुनिया को छोड़कर जाना ही पड़ता है, फिर चाहे वो इंसान हो, जानवर या परिंदा। जब माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं तो सोचते हैं कि बड़ा होकर उनके हाथ पैर दबाएगा, उनकी सेवा करेगा, लेकिन ये सिखाना भूल जाते हैं कि बेटा कभी चुगली मत करना, वरना वक्त से पहले मारा जाएगा। गुड शॉट। भुनी हुई मछली, yeah. खाने में मजा आएगा, और इसे खाने में हमारी मछलियों को मजा आएगा। आज के बाद तुम हमारे एम्प्लॉयज नहीं रहोगे, पार्टनर्स होगे। और हमने तय किया है
तुम चारों कंपनी में 20% शेयर होल्डर्स हो गए। ईच वन गेट्स 5%। हमें अपना बिजनेस पार्टनर बनाकर आपने हमारा सपना साकार कर दिया सर। बिजनेस की डील हो तो दिमाग से और इंसान की परख दिल से करके आपने ये साबित कर दिया कि आप एक महान इंसान हैं। इट्स ओके। कल मेरे बेटे का बर्थडे है और हमने घर पर पार्टी रखी है, तो सभी को आना है। हैप्पी बर्थडे। मम्मी से ज्यादा ऐश्वर्या प्यारी हो गई। हम कभी मिल पाएंगे? जावड़ेकर, वाटा इंडियंस के लिए अमेरिका में एक एसोसिएशन है। आगे बोलो। जो ज्वाइन करेगा वाटा उसे कभी नहीं होगा घाटा, और उसे जिंदगी भर खाने को मिलता रहेगा भरपेट आटा। अब मैं मार दूंगा खुद को छाटा। माउथ योर शट। सॉरी अंकल। जब भी हम कुछ इम्पोर्टेंट बोलता है तुम दिमाग का कर्ट कर देता है। हाँ तो गर्मी के लिए अच्छा है ना। जो भी वाटा पे आता है उसे $1 भी नहीं लेता, सबको फ्री फंड में लांगर खिलाता है। वो कहता है ना कि अतिथि देवो भवा, इसीलिए हम ये करता है। काफी टाइम से इसका सारा खर्चा हम ही अकेला उठाता है, लेकिन अब इतना उम्र में हम इतना हार्ड वर्क नहीं कर पाता। हेल्प करने के वास्ते कोई मांगता। डांडे कर सब संभाल लेगा ना मामा। क्या धंधा संभालेगा? रोड पे कुत्ता पैदा होएगा तो वो घटिया आदमी उसको भी पेट शॉप पे बेच के उसका भी पैसा खा जाएगा। ए मुछड़, जूते की रस्सी बांध। उसको रस्सी नहीं, लेस बोलते हैं। आपके लिए सर धारावी से इम्पोर्ट करवाया है। जीतर हो बेटा। तो ले लेकर संभाल लेगा ना। तुम्हारा ले लेकर गया तेल लेने। बिल्कुल अपना नाम का माफिक, हर एक गेस्ट का इज्जत भी ले लेता है। नमस्कार भाई साहब। क्या अरे डर कह रहे हो? पैंट ठीक कर रहा हूँ। देखिए रूम में बाथरूम नहीं, इसलिए अलग से पैसे लगेंगे। पर मिनट का $100। टिश्यू आपका। मैडम के फेस पे टेंशन। आप तीनों का साइज देख कर लग रहा है सारी कमाई बाथरूम में निकल जाएगी। फ्लश करके निकलने का। और वो घटोत्कच, उसको देखते ही दिमाग में मच मच होता है। ओ चंदा मामा, कभी तो चंदा मामा आ गया। हैंड नोटिस कर दिया। चंदा मामा को बुला रहा था, वानखेड़े स्टेडियम को नहीं। अभी मुझे अपना हैंड्स का ड्राई क्लीनिंग करना पड़ेगा। मुझे तुझ जैसे कीड़े मकोड़ों से एलर्जीज है। सबसे बड़ा कीड़ा तू है। उसका स्टाइल देख के लगता है कि अंबानी अडानी फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन उसका बाप मालिश वाला था। और वो अपना चाटे कर दिल का प्योर गोल्ड है, लेकिन दिमाग से क्लीन बोल्ट। तुम लोग यार टाइम पास कर लो, काम कौन करेगा? अरे तेरा लेफ्ट हैंड तो बीमार पड़ गया, अब धोएगा कैसे? कागज पे पोत लूंगा, पहले इसको निकालो। गंदा सावड़े कार। मामा उन पे कड़ी नजर रखा कर। कड़ी नहीं दाल भी रखूंगा। ये लो गोली खाओ, जान बनाओ। मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि आपका भांजा क्या चीज है। छोटा जबान से बड़ा बात नहीं करने का। आज से वाटा का प्रोग्राम स्टार्ट। एक असली मर्द की पहचान क्या है? वो जो डरे पत्नी से अपनी, घर में मारे झाड़ू कटका भरे पानी। आज के इस मशीनी दौर में मैं आपको कुछ ज्ञान की बातें बताऊंगा। लोग पहले कम कमाते थे, चैन से रहते थे। आज ज्यादा कमाकर बेचैन है। खाना है लेकिन खाने के लिए टाइम नहीं है। पैसा तो है लेकिन शांति नहीं। अपनी ख्वाहिशें पूरी करते करते इंसान एक दिन मर जाता है। मरने के बाद भी ख्वाहिश करता है कि मुझे स्वर्ग मिल जाए। आज हम भले ही अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमें छुट्टी मिलती है हम दौड़े दौड़े हिंदुस्तान चले जाते हैं। भले ही वहाँ पर यहाँ जैसी सुविधाएं ना हो, दिन में 4 बार बिजली जाती हो, पसीना पोंछकर गमछा गीला होने पर भी खुशी वही मिलती है, क्योंकि मेरा भारत है महान। चलो चलो खड़े हो जाओ, तालियां बजाओ, घर जाओ। भरत जी, फ्री फंड में आने के लिए हम सब की तरफ से थैंक यू। अरे घचागच, मैं तो बताना ही भूल गया, फ्री के सारे रूम बुक हो गए हैं। पार्किंग लॉट का खोपचा खाली है। मैला तकिया देख के वही सुला डालते हैं ना। आने की टिकट तो मैंने ले ली, कम से कम जाने की टिकट तो तुम लोग दे दो। अरे प्लेन का चालू टिकट लेके खड़े खड़े आ जाते, उसमें टीसी भी नहीं आता। प्लेन की बात कर रहा हूँ, बस की नहीं। अमेरिका से हफ्ते में एक बस जाती है। मेरे पास एक आइडिया है, आपको पैक करते और अच्छी तरह कार्गो में सेंड करते। ब्राह्मण का अपमान करते हो, ऐसा श्राप दूंगा तुम्हारे बच्चे नंगे पैदा होंगे। इंडिया का श्राप इधर को वरदान बन जाता है, यहाँ पर सब नंगे घूमते हैं। ये अंडरवेयर में ना घूमने लगे। इनकी तलब थे थौली। मैं चलना बैटरी थौली। बाप रे, अमेरिका में कोई धर्मशाला है क्या? रणवीर और दीपिका आ गए। आ गए, उनको पार्किंग लॉट में बड़ा खुशी। क्या चल रहा है? में तो फॉक्स चल रहा है, वन बाय वन आस्किंग। झंडेश्वर रेड्डी ने हमसे कभी प्रोग्राम का एक रुपया तक नहीं लिया। मेरे बचपन में एंट्री फ्री थी। पहले हम लोग बदन पे पत्ते लपेटते थे, अब कपड़े पहनते हैं। टाइम के साथ सब बदलता है। ये सरासर ना इंसाफी है। कल मैंने समोसा मंगाया मीठा चटनी के साथ, ये कॉकरोच घुसा के दे दिया। और सूप के नाम पे फिंगर बोल का पानी दे रहे हैं। वो हाथ की नहीं पैर की उंगलियों का है। सर पे बाल नहीं है तो क्या तुम लोग मेरी इज्जत नहीं करोगे क्या? तुम चारों अत्याचार कर रहे हो। लोगों को दिन दहाड़े लूट रहे,
का जवाब देना ही पड़ेगा। तुम्हारे सवाल का जवाब है मेरे पास। गेल, यस सर। पोलार्ड, यस सर। युद्ध करो। फ्री हिट। अरे अरे क्या करते हैं? अरे अरे मेरे को छोड़ दो। अरे क्या करते हैं? अरे तुम लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं? अरे हटो। गेल और पोलार्ड की पगार बढ़ा देते हैं, बहुत काम में आते हैं। तुम लोग मेरे टकले के पावर नहीं जानते। जगदीश रेड्डी को मेल करके तुम लोगों का जिंदगी झट कर देगा, बोल देता हूँ। जावड़ेकर जी मामा, लगता है लोगों को प्रॉब्लम है, इसके लिए इतना मेल आया। मामा बोल बच्चन छोड़ो, दवाई खा लो। Oh, what the hell? सब ब्लर दिखता है जावड़ेकर। मुझे लगता है आपके चश्मे का नंबर बढ़ गया होगा मामा। मेरे को इतना नींद आता है कि मैं कांटे पे भी सो जाएगा। अभी मेल को लगाओ टेल। मैं तुमको $1 million दिया, उसका हिसाब मांगते मेरे को, अभी का अभी मांगता है। यू नो US में हमारा 116 शौचालय चलता है, लेकिन उसका प्रॉफिट कभी नहीं रखा, वो आल्टा में लगा। नमस्कार झंडेश्वर रेड्डी, हम भी आपकी तरह क्रांतिकारी बनना चाहते हैं। क्या कर रहे हैं? जावड़ेकर तुम्हारा गोली कमाल का, बहुत नींद आता है हमको, रोज देने का ऐसा गोली। तुम्हारे कैलिफोर्निया यूनिट में धोखेबाजी करने वाले रॉबर्ट को रास्ते से किसने हटाया? मैंने। उसके लिए तुम्हारे दोस्त राजवीर ने 50 करोड़ देने के लिए कहा था, अब वो पैसे कौन देगा? मिस्टर बलवंत राय, ये रॉबर्ट कौन है? ये तो वही बात हो गई कि 5 करोड़ की चरस उधार में लेकर पीकर हवा में उड़ा दी, और जब पैसे देने की बारी आई तो कहा कि अरे वो तो जलकर आसमान में जाकर बादल बन गई। सर अब क्या बकवास कर रहे हैं? तुम्हारा मुंह है या गटर, जब भी मुंह खोलते हो तो बकवास ही करते हो। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या लगता है तुम्हारे दोस्त राजवीर की मौत नेचुरल तरीके से हुई? उसे प्लानिंग करके चालाकी और बेदर्दी से मारा गया है, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ लिखा है, पढ़ लेना। जब भी एक जिगरी दोस्त गुजर जाता है तो बहुत दुख होता है, और अचानक किसी भयानक हादसे में गुजरे तो डर भी लगता है, वो इसलिए कि आली रे आली, कहीं अपनी बारी तो नहीं आली। जिस तरह नागिन नाग देवता के फन मरोड़ने वाले के पास पहुंच जाती है, उसी तरह एक दिन वो भी तुम तक पहुंच जाएगा। तो क्या करना चाहिए? अब तू आया मेरे लपेटे में। मैं वो प्राणी हूँ जो पैसे की पहले और भगवान की पूजा बाद में करता है। अब बताओ किन किन लोगों से तुम्हारी रूह कांपती है, वही लोग मुझे KBC का विनर बनाएंगे। विलियम को हमने बिजनेस में 5 करोड़ का चूना लगाया, डिसूजा की बीबी सूजी को हमने जान से मार दिया, और चार्ल्स को हमने लॉकअप में ही अपाहिज बना दिया। दुश्मनों की लिस्ट बहुत लंबी है, तो उन्हें छोड़ नहीं सकते, एक एक करके मारना पड़ेगा, उन्हें खर्चा होगा। एक छोटा सा खटमल और है, पर काटना नहीं जानता। दिमाग बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक छोटा सा अंटा पूरे दिमाग को घुमा देता है। तू पता बता, एड्रेस मैं खुद ढूंढ लूंगा। प्लान फेल हुआ तो हम उन्हें ऐसे मारेंगे कि उनके परिवार का एक मेंबर भी नहीं बचेगा। ओके, इसके पीछे कौन सा उल्लू है? कल उसकी गर्दन मेरे हाथों में होगी, उसके बाद डील लॉक होगी। चंदू सर, पूछ के फायदा नहीं, फिर भी बताइए डील लॉक होगी या नहीं? बुरा मत मानना, नहीं होगी। हाँ, तू अगर FBI में नहीं होता ना तो पूरी बनाकर सींग चना बेचता। चल। मेरे माँ बाप ने सिखाया था, भरोसा किसी पर मत करना। मैंने तो SSC फेल होने के बाद ही माँ बाप पे भरोसा करना छोड़ दिया था। डेविल को बुलाओ, हमारा एक भी दुश्मन बचना नहीं चाहिए। बैरोस में कोई हाथ नहीं आए। झूठ मत बोल। चार्ल्स, राजवीर को तूने मारा ना? नो। पैसे की फिक्र मत करना डेविल, काम पूरा होना चाहिए। तुम मेरे को एक हेल्प देगा? पैसा मिलेगा तो देगा। डिसोजा सच सच बता दे। मेरे को मालूम नहीं मैन। वेल डन डेविल, अब सिर्फ अमर बचा है। क्या आप मुझे अमर के बारे में कुछ बता सकते हो? सॉरी, अमर का नाम रिकॉर्ड में नहीं है। इम्पॉसिबल। क्या? हे डेविड, तुम्हारे सिस्टम में अमर का रिकॉर्ड है? चेक करता हूँ। एक लिस्ट में चेक करो। नो सर, अमर का रिकॉर्ड नहीं मिला। इम्पॉसिबल, ऐसा आज तक नहीं हुआ। अरे गजा गज गज, मेरा मतलब घटो गज, इससे अच्छा चिकन तो चार कोप नाके पे मिलता है। यहाँ ओबामा नाश्ता करता था और ट्रम्प डिनर्स, लेकिन लंच तो टपरी पे करते थे। इसको मालूम नहीं ये बात। मैंने सट्टा लगाया हुआ है, देख अभी चौका लगेगा। That one's caressed away as well. That one's over.
अरे तेरे को कैसे मालूम चौका मारेगा? ये देख, इस पे पहले बताता है और टीवी पे बाद में आता है, किसी को बोलना नहीं। लाल लाल दिखा, ऑनलाइन सट्टा खेल रहा हूँ मैं। यार ये जुगारिया का सट्टा शुरू करो, चलो पहले सेट डाउन फिर सट्टा लगेगा। अरे चम्मा इला क्या शॉट मारा है, लगता है सुबह सुबह कांदा भजिया मार के आए। अरे है कुछ सट्टा खेले, हम लोग है ना खेलते हैं सट्टा। नेक्स्ट बॉल का भविष्य बता। नाना जी टांग छक्का है, मेरा दिल बोलता है आउट होएगा। भेंडी तेरा बाप भी कभी सट्टा खेला क्या? ये ले मेरा $1,000, चल अभी तू डाल चल। वो नहीं हो गई, ले जेब में डाल, इतना दुलूत निकलेगा। अगली बॉल पे क्या होगा? एक ही बॉल में भाग के 3 रन निकालेगा। क्या? भाग के 3 रन निकालेगा? हाँ। अरे गर्मी का टाइम है, 2 रन ही भागेगा। ये मेरा $1,000, ये पहला रन लिया, ये दूसरा भी ले लिया, ये थम थम, ये तीसरा बंदे तेरे को चक्कर आ गया। ये मेरे को चक्कर आ गया रे। या तो फुल प्लेट या तो अटैक। जबराट क्या बोला रे? अपना पूरा माल सट्टे में लगा दो, हारा हुआ पैसा वापस। अरे कोई ऑफर दे मेरे को। गुड़ी पाड़वा ऑफर है, रन आउट नहीं हुआ तो पूरा पैसा वापस। अरे ये तो मेरे लिए जैकपॉट है। अरे ये ले मेरा दीप लक्ष्मी बैंक का क्रेडिट कार्ड, विजिटिंग कार्ड, पूरा बैंक बैलेंस 0 बैलेंस का, सोने की जंजीर, हाथ की चूड़ी, उंगली की अंगूठी, रोलेक्स वॉच भी चाहिए। बल्दाएगा ये। ए, 50 तोले का साख लिए, अभी मैं जॉकी उतारेगा नहीं, बाद में देगा। मेरा जिंदगी तुम लोग के हाथ में, आराम से। रुक जा रुक जा, बॉल उसके हाथ में है। तू गेम से आउट? नॉट आउट है रे हावले। इसमें क्रिकेट का सरताज अखबर उस्ताद। ये हैदराबादी कौन है? दम बिरयानी होगा। आओ लुटने वाली कुर्सी पे सिट डाउन। बैठो बैठो। ये झिंगुर निकल, कमा के आ फिर आना लुटाने। तशरीफ का टोकरा रखिए, दोनों मैच आ देखिए, मजा आएगा। अरे क्या कर रहा है, नवा बकरा है, खुल नहीं रहा यार। ये वही बात आ हुई, पिशाबा लगी और नाड़ा नहीं खुल रहा। नाड़ा खुले ना खुले, आप शुरू हो जाओ ना। आप मारेगा छक्का दुश्मन का, जाओ मारेगा छक्का। मैं शॉट लगाऊंगा, इसको मैं मारूंगा, इसको मैं मारूंगा, एक मिनट रुको, मैं मारूंगा। 1000 की लग गई। ये क्या करते हो बाबा, सोच समझ के खेल। वो धोनी अभी खेलने को उतरा है, पहले बॉल पे छक्का नहीं मारेगा वो, अगली टांगा उठा के देगा उन्होंने। आओ नवाब साहब आप लगाओ, 4 मीनार की खसम चौवा लगेगा। नवाब गए, अब देख सारा पैसा रिकवर करता हूँ। गुड लक। अरे बाबा रे बाबा, अरे तेरा सुन लिया रे ऊपर वाले ने, अरे तेरे नाम का व्रत रखेगा। ये ले पोछने का पेपर। हाँ ठीक है, मेरे पास एक बम्पर ऑफर होना। कैसा ऑफर? माला माला ऑफर, धमाल फूल, अगली गेंदा पर छक्का ही छोना, नहीं तो आधा हैदराबाद तुम्हारा। और हार गया तो मैं निजाम का सोने का हुक्का तुम लोगों का दूंगा, पाइप चिमनी और तेरे को नीचू का प्याला। तल अगल मुद्दे कोयला देंगे ना तो भी मेरे को तलेगा। चुप है, एक नंबर का पनौती है, तेरी वजह से हम लोग हारे। धोनी का ऑफसाइड सिक्सर इम्पॉसिबल है। मेरे पापा हमेशा कहते थे जुए के पैसे में बरकत है, उन्होंने जुए के पैसे से 4 कसिनो खरीदे और मेरे नाम कर दिए, हम लोग ही विन है। लगाओ रे। ए नवाब, तू औकात से ज्यादा खेल रहा है, अगर हार गया ना तो मेरे को अटैक की जा जाएगा। इतना फिकर काय को हावले, अल्लाह हमारे साथ है ना। तेरे बाप ने कभी क्रिकेट खेला था? तेरी वजह से सट्टा हार रहे हैं। मेरा बाप बोलता था तेरी माँ ने तेरे को वानखेड़े स्टेडियम में पैदा किया था क्या? जब तेरा बाप मैच देखता था तब धोनी इंडियन टीम में खेलता था क्या? मौत बंद कर, तू बंद कर, मैं अपनी चट्टी तक हार गया। चट्टी भी? अरे बंद कर एक्टिंग वरना तेरी चट्टी फाड़ता हूँ। दोनों हाथों से मुट्ठा भर कर निखलने भी है। अरे मेरा मुट्ठी बहुत बड़ा है, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। वो लोग अगर हारते तो तुमको हटाया जाता। अरे गोगल में मैं बहुत सुंदर लगता हूँ, ऐसा औरत बोलती है, ये भी ले लेता हूँ, ये सब जाके दीप लक्ष्मी बैंक में रख देता हूँ। इतना सब हार गया, फोन भी दे देता। खोल के दिखाया तो फोन तेरा। चोर के घर में चोरी? मेरा ननियाल चोर बाजार में रे, और ननियाल रेस कोर्स के बाजू, और मेरे अम्मी का निकाह बहुत बड़े सट्टेबाज से हुआ था ना यारो। तुम लोग सांप सीढ़ी खेले, मैं नागिन सीढ़ी खेला। ये तो जेब भी मार गया और डायलॉग भी। जैसे तुम लोग चीटिंग कर लेते ना वैसे ही उसने भी चीटिंग किया, उसकी आंखों में स्कैंडल मचीन थी, पूरा स्कोर बोर्ड याद कर लिया। ऐसा करते तूने देखा था उसको? अत्यंत देखा था। तो पहले टेल क्यों नहीं किया? अरे बोलता तो वो तुन लेता ना, तो मैसेज कर देता, मोबाइल उसके पाता तो किसको करता। ओके यार सॉरी, माफ कर दे। मेरे हिसाब से राजवीर को जिसने मारा है इनमें से कोई भी नहीं है। ऐसा कुछ बता जो हमें पता ना हो। क्या बोल रहे हो?
तो कौन है वो चूजा जो तुम्हारी लिस्ट में नहीं था? अमर। करेक्ट, अमर। वो जेल से छूट गया क्या? हाँ, क्या नॉलेज है। वो सुना है ना, खरबूजे के साथ खरबूजा भी रंग बदलता है, उसके साथ भी यही हुआ। अब सोचो, एक सीधा साधा बच्चा जो ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल जानता हो, अगर 14 साल तक गुंडे मवालियों के साथ रहेगा तो उसका क्या होगा? जेल एक तरह की क्राइम सीखने की पाठशाला है, जहां पर क्राइम के एक से एक प्रोफेसर मौजूद रहते हैं। बस ये समझ लो कि उसने जेल से क्राइम की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली और एक गुंडा बनकर बाहर निकला। कोई भी नहीं जानता वो कहां रहता है, कैसा दिखता है और क्या करता है। माँ कसम बोलता हूँ, तुम्हारे सरों पर एक नंगी तलवार हिचकोले ले रही है। पिज्जा डिलीवरी बॉय की तरह मौत भी तुम्हारी तरफ तेजी से बढ़ रही है। अब बोलो, जान बचाने के लिए अपनी हराम की कमाई में से कितना मुझे डोनेट करोगे? तुम्हें बताओ। तुम्हारी जान की कीमत क्या है ये तो तुम्हें ही पता होना चाहिए। 1 करोड़ रुपए। इतना सस्ता है तू? आज पता चला तेरे करोड़ों रुपयों पर ऐश करने के लिए तेरा सेहतमंद रहना और जिंदा रहना बहुत जरूरी है। सोच समझ के अमाउंट बोल। इसको हम किस लिए पैसा दे रहे हैं? हम खुद मार सकते हैं ना। तुम लोग ये क्यों नहीं समझते कि तुम्हें बिल से बाहर निकालने के लिए वो खुद एक सपेरा बनकर आ चुका है। तुम्हें नाचना है या उसे नचाना है, अच्छी तरह सोच लो। जिंदा रहे तो फिर पैसे कमा लोगे, मर गए तो समझो मर गए। 50 करोड़। जे बात, उसे सबसे बड़ी गोली से मारूंगा। ये बलवंत नहीं, बलवंत का बल बोल रहा है। डन। शादी के लिए जो पैसे रखे थे जुए में हार गया। वो तो है, कौन देगा लड़की? अरे तुम तो पूजा आरती हूँ जी, इवेंट मैनेजर, और ये मेरी टीम। आई एम सुलभ चाटेकर, यहाँ का खजांची, पैसे का रक्षक मैं ही हूँ। नमस्ते जी। क्या सजावट है, बिल्कुल आपकी तरह चिकनी। ओह, मोनी ने किया है। नमस्ते। और दीवार पर अच्छा चुना मारा है, मेकअप के फाउंडेशन जैसा। पसंद आया? सोनी ने किया है। नमस्ते। तुमने पिछले साल जो लालबाग के गणपति के पंडाल का डेकोरेशन किया था, उसे देख कर ही तुम्हें ये काम दिया। शायद आपको पता नहीं, ये मेरा पहला इवेंट है। आपके रेज्यूमे में पढ़ा था, इसने बनाया होगा। हमेशा गलती करता है। मेरे से सुंदर लड़का कभी आपको छेड़े तो मुझे फोन करना, 24 घंटा आपकी सेवा में। सो स्वीट। हाथ धोया हो तो मिला लो ना। गंदे हैं। एक मिनट, मैं भी हाथ धो के अच्छे से धोना। यहीं रहना। अगर इसे छू लिया तो इसकी स्किन पे दाग आ जाएगा। ये मेरे लिए बनी है। ये झंडे चोर रेडी ने क्या खाना ऑर्डर किया है? ये टकले मजा रहे ना। Squeeze me ladies, come here. मैंने कहा था दाल चावल देना, तुमने तो बिरयानी दे दी। हा? अगर प्रॉफिट में से नुकसान होएगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा? तुम लोगों के राहों पे छन्नी खटिया डाल के लेट गया है। तो देखो सोनी, दुनिया में लोग काम कर रहे हैं तो पैसे के लिए। उसे दाल चावल की जगह बिरयानी खिलानी थी तो परमिशन लेती। तुम जैसे लुखों से वो परमिशन मांगे, इतने उसके बुरे दिन नहीं आए। क्या? उसने अपने पैसों से मेहमानों के लिए डिलक्स रूम बुक करवाया और हैदराबाद से बिरयानी भी मंगवाई है। जिसके खुद के पगार के वांदे हैं, वो इतना खर्चा कैसे कर सकती है? Excuse me, पूजा बचपन से ही एक करोड़पति है। और सुन, तू भी लंगर में लग जा। Let's go girls। ले लेकर, चल चल कर, पेट भर कर खाना खाते हैं। गजा गज 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 खाएंगे। क्यों बेटा, उसके सामने तेली औकात निकाली की है, अब क्या कहेगा? एकदम सिंपल है बेटा, उससे ज्यादा अमीर बनने के लिए मैं बैंक से लोन लूंगा। वो बल्ब उड़ गया है क्या? देखो पूजा बेगम, मेहमानों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, फिर भी क्या पकवान खिलाए ना, तुम्हारा दिल गुलाब जामुन की तरह है। मैंने झांक के देखा। आजकल तो लोग एक दूसरे को देखकर जलते हैं, लेकिन तुम वैसे नहीं हो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। रूप बागवान हो गई। एक बात है जो मुझे बार बार चींटी की तरह काट रही है। जेल से निकलने के बाद वो विक्रम को आसानी से मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। विक्रम को ना मार कर उसने राजवीर को क्यों मारा, ये बात फीडो। ऐसी ही अंगूठी राजवीर के पास भी थी? हाँ थी। अगर राजवीर की लाश से कुछ गायब था तो वो थी अंगूठी। मतलब साफ है, अंगूठी का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। इस अंगूठी के पीछे की पूरी कहानी मैं जानना चाहता हूं। सब समझ में आ गया, बहुत ही जल्द वो तुम सबको मार डालेगा। मुझे बहुत अफसोस है मिस्टर विक्रम तलवार, उसका अगला टारगेट तुम हो। क्या? आज से मेरा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ तुम पर होगा। सर, हमें मारने वाले पे फोकस करना चाहिए। क्लाइंट को खुश रखने के लिए बोलना पड़ता है, उनकी जेब से पैसे निकालना आसान नहीं है। अपने बाप का क्या जाता है, उसे मरना है तो मर जाए।
समझा क्या? समझ गया। दाएं गाल पे थप्पड़ खा के बाएं गाल को आगे करने वाले, इस धरती को वर्ल्ड वॉर से बचाने वाले, फ्यूज बल्ब को जलाने वाले, 4 बार वेल्डिंग अवार्ड जीतने वाले, पॉल की 21वीं संतान, पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन मिस्टर पॉल स्टिच के लिए जोरदार तालियां। अबे इधर ला बे, सर वापस कर देना है। कांग्रेचुलेशन, ये मैयत से उठाते हैं। हां सर वापस देना। वो उसको ब्लेसिंग्स दे रहा है। मैं भी देखा हूँ क्या? वो एक दिन में एक से लेती है। पॉल इज ग्रेट। ऊपर बैठे मेरे बाप को नीचे से प्रणाम। गांव के सरपंच से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक कोई भी मेरे आशीर्वाद के बिना जीत नहीं सकता। और अगर लगता है मैं फेंकू हूँ तो कोई भी पेपर उठा लीजिए, हर जगह मेरी फोटो मिलेगी। यहाँ तक कि मस्त राम में भी मेरी मस्त फोटो है। पॉल इज ग्रेट। जब मैं उनसे टेलीपैथी पे बात कर रहा था तो मेरे बाप ने मुझसे कहा कि हावड़ा ब्रिज पर डेंट पड़ गया है। आई वॉज शॉक्ड। इसमें मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, बेटा जब तू बचपन में वेल्डिंग सीखता था तो बहुत अच्छे टांके लगाता था, एक टांका हावड़ा ब्रिज पे भी मार और उसे बचा ले, क्योंकि दुनिया को बचाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने मुझे दे दिया। जब एक एरोप्लेन में पेट्रोल खत्म हो गया तो मेरे बाप ने मुझसे कहा कि जाके पेट्रोल भर दे और उस प्लेन को बचा ले। लेकिन मित्रों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने पेट्रोल की जगह सीएनजी डाल दिया। अपनी फ्रॉड फंदा कंपनी में इसको भी काम पे रख ले वे क्या? मैंने भी सोचा था, लेकिन एक छोटा सा लोचा है। ऐसा लोचा? ये वो छाना है, ये हम सबको बाटली में उतार के बुझ लगा के समंदर में छोड़ सकता है। एक नंबर का राक्षस है। फिर ये संत के भेष में क्यों आया है? आजकल शांति तो लोगों की दुनिया करते हैं झंड। वैसे सैटरडे को स्टैंड अप कॉमेडी भी करता है। दुनिया में शोर है, लाइफ बड़ी बोर है और देश का रखवाला चोर है। इस मंत्र को दिन में 15,72,000 बार पढ़े, फिर समस्या ही नहीं आपकी जिंदगी भी समाप्त हो जाएगी। बोल रहा हूँ ना डैडी, मेरा बाप देवी दर्शन के लिए यूएस गया, तब उसने बुश को सूखा बैर दिया, वही चूस के वो प्रेसिडेंट बना। उसके बाद ओबामा को भी चुलबुली हुई, मेरे बाप ने उसे सूखी मूंगफली दी, चबाते ही प्रेसिडेंट बना। हिलेरी को भी कुछ दिया था लेकिन वो ली नहीं। मेरा बाप इतना पावरफुल था कि मूंगफली के खेत में अनार उगाता था और वही मूंगफली खिलाकर बकरे से अंडा और मुर्गी से दूध निकालता था। वैसे दूध तो वो बहुत निकालता था। ओहो, नहीं बताऊंगा। अगर आप सुगंधित जीवन बिताना चाहते हैं तो रोज लोबान जलाएं। चुप है। वैसे अगरबत्ती भी चलेगी। घटोत कच यार, पहले तू मेरा सही से नाम लेना, लन कर। हाँ करूंगा करूंगा, अगर हमें झंडेश्वर रेड्डी को रास्ते से हटाना तो इससे अच्छा फावड़ा पूरे अमेरिका में नहीं मिलेगा। रुक जा रुक जा, नहीं तू जा। इसका बाप देसी कट्टा था, वन टाइम वन गोली, ये दो नाली वाली बंदूक है, एक टाइम पे दो। इसकी हरकतों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर चील की आत्मा घुस गई हो। टॉक विद रिस्पेक्ट, सुन लिया तो तुझे जला देगा। माचिस वाली फैमिली से जो जला देगा, भूत बन के इससे बदला लूंगा। ये लो बजट टोटके करता है, बिल्ली के बाल, चूहे की खाल, चमगादड़ की आंख से तंत्र मंत्र करता है। ये पेड़ के नीचे बैठते ही वो मुरझा जाता है, कब्रिस्तान जाता है तो आत्माएं सुसाइड कर लेती हैं। इसको शक्ति इसके बाप से मिलती है। इसका बाप पावर बैंक है क्या? इसका बाप बहुत गुटखा खाता था और वो रास्ते पर से बीड़ियां उठा के उसका तंबाकू निकाल के चिलम फूंकता था। उसकी चिलम से रेल के इंजन जितना धुआं निकलता था। उसको अपने मुंह की पीयूसी करानी पड़ती थी। कथकली क्यों कर रहा है? कथकली नहीं है, कुंफू कराटे। इसके बाप ने ब्रूस ली के साथ चाय पी ली थी। ये नवाब, हम लोग के कबाब में हड्डी काय को बनता है? आया मैं तुम लोगों से मिलने नहीं आया, पुराने बरगद के रूहानी पिस्सू ने हावले के सर पर तशरीफ रख दी है। इसके दिमाग पर रियाना खाला का कब्जा है। रियाना खाला आम खाला नहीं, चुड़ैलों की खाला थी। नाम है अखबर, शैतान के चमड़े का जूता पहनता हूँ, भगा भगा के मारता हूँ हावले। और रेहाना खाला, बाहर से मर्द अंदर से औरत है, बस बोल बच्चा ने कुछ कर नहीं पाएगा, हमें तेरे कैरेक्टर पे शक हो रहा है। जो सुना? शक है? तो वो पौना पेड़ देख रहा है। आई सी फुल ट्री। कल वहाँ दंत मंजन करने से पहले मिलना। मेरे टूथब्रश में नमक है। जब जागो तभी सवेरा वाटा होगा। वो जंगली सुअर रात भर मोबाइल देख के अभी सोया पड़ा होगा। तेरा मतलब वो वीडियो देख रहा होगा। बुला लिया। जंगली सुअर हूँ। जंगली नहीं, आप पालतू सुअर हो गुरुजी। रेड्डी को टपकाने के लिए रेसिपी में क्या क्या चाहिए वो सब लिख। शुरू हो जाइए। 1/2 किलो भिंडी, हाँ। 1 किलो राई का तेल, 1 पत्ता गोभी, हाँ। और 2 मूली। ठीक है, मैं बनिया की दुकान से उधार पे लेके आता हूँ। वो नहीं चलेगा। क्यों गुरुजी? नहीं चलेगा। अगर दुकान से लाया तो अब शकुन होगा, रेड्डी की जगह तू ही मर जाएगा। भिंडी बेल्जियम से आनी चाहिए, वो भी बैलगाड़ी में। राय का तेल रायगढ़ से चाहिए, पत्ता गोभी पाकिस्तान से, और मूली मुल्तान से। लाने का जो खर्चा है वो हम आपकी फीस से काट लेंगे।
रेड्डी को इंटरनेशनल जिन से मरवाऊंगा मैं। फ्री में एक काम करेंगे। आप बोलना। एक लड़की को मेरे प्यार में गिरा दीजिए ना। कहाँ से गिरवाना है? चबूतरे से गिरवाना है या पहाड़ से फेंकना है? क्या गलत बोल दिया? प्यार के टीले पे गिराना है। यू डोंट नो टीला? ओहो, एक लेटेस्ट उपाय है। उसके कदमों में गिर जा और भीख में उसका प्यार मांग ले। मैं कोई चवन नहीं देता, प्यार क्या देगा? तुझे छचुंदर बना दूं? I'm sorry. वही लोग लड़की पटाते हैं जो लड़की के सामने झुक जाते हैं। मेरा बाप का आशीर्वाद है। बाप की जय हो। ये तस्वीरें किसकी है? इंडियन टीम के हॉकी प्लेयर्स हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? यहाँ के लोगों से पूछो तो वो इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। इनकी वजह से ही तो हमारे देश का नाम रोशन है, तो मैंने सोचा इनके बारे में यहाँ के लोगों को भी कुछ बताऊं। सुबह भगवान की फोटो से पहले मैं इनकी फोटो देखकर इन्हें मिस करता रहता हूँ, क्योंकि इन्होंने इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ किया है। ये तो उनकी फोटो के सामने ऐसे झुकी जाता है। लड़की के नजर में उठने के लिए ये मुझे झुकाना है। असल में ये सारे फोटोज देखकर मुझे उन दोस्तों की याद आती है जिनके साथ में पतंग उड़ाता था। सब मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं। ऐसा इना को तू जानता है रे? अच्छा वो आप आ गए, फेंक फेंक के कचरा कर दिया। ए नवाब, ये मेरे फ्रेंड्स हैं और इनके बारे में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ और अमेरिका आकर इन लोगों को भूल गया। दोस्त का नाम बोल। बताइए ना। ये तो घोड़े पर है। अगर मेरा साथ दोगे तो बच जाओगे, वरना मारे जाओगे। याद आया, ये मुगले आजम का अकबर आजम है। वाह, क्या नॉलेज है। इंडियन फिल्म तो मैं थिएटर में सबसे आगे बैठ के देखता हूँ, और ये तो ब्लैक भी करता है। ब्लैक करोगा तेरा बाप। चुप कर। आवले, ये कौन है? इसको तो कुछ भी नहीं पता है। मैं गॉड का पुजारी हूँ, गलत करता नहीं और गलत होने नहीं देता। फिर याद आया, ये अल्लू अर्जुन है। इसकी डीजे देखी है, कभी पंडित तो कभी गुंडा। वाह क्या जानकारी है। अखबर जोधा यानी ऋतिक ऐश्वर्या, भगत सिंह मतलब अजय देवगन। इना को तो जानता होएगा ना? कान में बाली, चेहरे पे लाली, ट्रिम दाढ़ी, रणवीर कपूर तो नहीं लगता, रणवीर सिंह होगा, वो भी नहीं है। ये वही बात है, तेरे को पैखाना जोरों से आया और टॉयलेट का दरवाजा नहीं खुल रहा। अबे हंस मत। पहले सूरमा श्री कृष्ण देव राय, मैदान जंग के बेताज बादशाह, इन्होंने इतिहास रचा है। ये जनाब आलूरी सीताराम राजू, दक्षिण के बहुत बड़े योद्धा, अंग्रेजों का इनानु पेशाब निकाला। इनका भी निकलने वाला है। कर बैठ ले। इनानु वीर शिवाजी महाराज हैं, छत्रपति नाम से मशहूर। अच्छा, तो वो रेलवे स्टेशन इनका ही है? रेलवे स्टेशन इनका नहीं है, इनके नाम पर है। बीटी थारे, आए दिन हिंदुस्तान में नाम बदलता रहता है। अगर धोती का नाम रुमाल और रुमाल का टुवाल हो जाए तो उसे उनका काम थोड़ी ना बदलेगा। अब इसको बुद्धिमान बोलने से इसको बुद्धि थोड़ी ना आएगी। पूजा, आई कैच यू लेटर। गंदे हैं, बहुत सारा काम है मुझे। तो हमें कुछ भी नहीं है। चुप चुप चल, नहीं तो तेरा काम तमाम कर दूंगा। पूजा, इस चिपकू से बचाने के लिए थैंक यू। मैं भी बहुत बड़ा चिपकू हूँ, मेरे से बच के रहना। थैंक यू। वेलकम वेलकम सर। थैंक यू। झंडेश्वर रेड्डी कहाँ हैं? झंडा ले रहा है। रेस्ट इन पीस कर रहे हैं। अरे साइड हो जाओ जगह तो। चलो बजाऊं क्या? चलो ये तो रम कौन है भैया? ये फीडो कंपनी के वाइस चेयरमैन है, मिस्टर विक्रम तलवार। ये एक जानी मानी हस्ती हैं, यहाँ चीफ गेस्ट बन के आए हैं। आइए तलवार साहब, आइए। सलाम वालेकुम। मैं सुना बहुत बड़ी हस्ती है तू। हाँ बोले तो, बुर्ज खलीफा जितनी बड़ी हस्ती। तू जरा तमीज से बात कर। तमीज को मैं खमीज की पॉकेट में रखता। झंडेश्वर को बोलो यहाँ लूट मची है, वाटा प्रोग्राम से लोगों को घाटा हो रहा। ये चुप कर, तेरा ग्रीन कार्ड ये छीन लेंगे। मैं इसकी जिंदगी छीन लूंगा। तू ऐसे नहीं समझेगा। बोलाड, यस सर। गेल। शेरवानी, आग लगने पर सीढ़ी बम्बा तो और मुसीबत में अखबार। हाँ तो सीजन वाली बारिश सिर्फ जून जुलाई में होती है। मैं वो बादल हूँ जो कभी भी फटता हूँ। क्या? मैं समझा नहीं। बाढ़ बनकर तेरे पे सुनामी का अटैक करूंगा। मैं क्या ऊपर वाला हूँ जो बारिश खराऊंगा? हम मिलकर भी बारिश नहीं खरा सकते। मैं ड्रामा का कलाकार। ओके, खाइसी लगी एक्टिंग। वंशाली की फिल्म से भी बड़ा सेट डिजाइन किया, लेकिन आर्टिस्ट परफॉर्म नहीं करेगा तो? आजकल के आर्टिस्ट आर्टिस्ट नहीं, भांड बन गए, पैसों के बगैर काम ही नहीं करते। अरे आलिया ने भी मना कर दिया और वेब सीरीज करने के लिए वो साउथ अफ्रीका चली गई। आलिया तो क्या, मालिया ने भी मना कर दिया। रणवीर ने भी मना कर दिया। रणवीर ऐसे कैसे? उन्हें 2 साल बाद का चेक दिया था ना। चेक क्लियर होने पे कलेगा। वही तो, 100% किसी की बुरी नजर लगी। लोगों के साथ अच्छा हुआ, बोले लोग का बुरा ही होता है। चुप ही रह, नहीं तो तेरे को घासलेट डाल के चला दूंगा, समझा? सब छोड़, अगर फाइनल डे अच्छा डांस नहीं हुआ ना तो हम लोगों को कच्चा पहन के अच्छा डांस करना पड़ेगा। दिव्या बालन को बुला ले। मैं डांस करूंगी, मुझे पैसे नहीं दिए तब भी चले।
देगा। इना के साथ मैं भी लबका लबके करूंगा, मसला खत्म। अबे तू जा, नमस्कार का टाइम हो रहा है। मैडम ने जमुना दास की हल्दी में बहुत अच्छा ठुमका लगाया था। हम लोगों को डांस में 5 तमगे मिले। ये शो सुपर हिट है मिया। पर हेड प्रॉफिट कितना है? बताता हूँ, $1,00,000। पैसों की नदी बहने वाली है। चीयर्स। ये हलाम की दालू देखना, चढ़ेगी नहीं। हम बोलेंगे तो चढ़ेगी, हम बोलेंगे तो उतरेगी। सब लोगों को अकबर का आदाब। हाँ, वेलकम वेलकम। होकट की पीने आ गए। बोलो कैसा बनाऊं? अलग तक भर दे मियां। लॉट ड्रम में दो यार। क्यों भाई हीरो, तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। हमारा भांडा फोड़ देगा, हमें पकड़वा देगा। अब हमारी महफिल में आकर हमारा एक ग्लास पकड़ रहा है। मुझे जन्नत ना मिले अगर तुम शरीफ लोग आके चुगली करो। चुगली तो कमजोर करते हैं। उस साथी को क्या पता कि तुम हमारी टीम में हो। वो सारे गेस्ट लोग को फ्री में रखता था। हमने सारे गेस्ट लोग से $500 प्लस GST लिया। देखा तुमने सावरेकर, कितना बेईमान लोग। अंकल अंकल बोल के तूने अंकल को चूना लगा के पनवाड़ी की तरह पान खिला दिया। और पान खा के गटर में थूका भी। अमां तू तो जायज औलाद है, ये नाजायज हरकतें काय को कर रहा है? देख भाई, ना फादर बड़ा ना भैया, सबसे बिग रुपया। रोजाना उसको अनमोल रतन की कैप्सूल दे रहा हूँ, उससे हाथी की किडनी भी फेल हो जाती है। किडनी फेल, बुड्ढा निकला। मियां, किसी को पिच्छू से लूटो तो पिच्छू के रास्ते से निकलता। इम्पोर्टेंट बात, ये बेवकूफ लोग हैं। इनको बोलेंगे ₹2,000 में गांधी जी आशीर्वाद दे रहे हैं तो सर झुका देंगे। बैंक वालों ने इन्हें इतना लूटा कि अब कोई लूटे ना तो इनको मजा ही नहीं आता है। इनका लंगोट भी लूट कर ले जाए तो भी पता नहीं चलेगा। पहले अंग्रेजों ने लूटा, अब हम लूटेंगे। एक और सीक्रेट है, हमने उनसे इंग्लिश का पैसा लिया लेकिन बंगाल वाले से बोतल लाकर उसमें फोकट की पीने आ गए। निकलो गेट बोलाड़। दोनों खलास। पार्टी बदल के इनके साथ हो गया क्या? मैं हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन ना मियां, पार्टियां बदलता रहता। झूठे लोगों की खाल उतारता है, भगा भगा के मारता है। लास्ट 3 ईयर्स का अकाउंट मेरे का बिका भी मांगता है। आपको लूट कर इन लोगों ने लेडीज जिम खोला ना। मशीन आने में टाइम है बोल के आपको पंचिंग बैग बनाते हजरत। एक वीक में हमारा पैसा हमारा अकाउंट में मांगता है। लिसन चैटकर सर, इनके टका पाजी से मेरे को अभी हार्ट अटैक आने वाला है जी। सक्सेसफुली आएंगे तो वाटकर प्रेसिडेंट हो। ठुकलिया ठुकलिया। लूट गया रे, बर्बाद हो गया। दर्द हो रहा है ना? हमारी वजह से तुमको भी पड़ गई। अरे अपने धंधे में तो पिटाई होती रहती है। इंग्लिश पंडित, जब पिटाई हो रही थी तो तुम्हारे पापा तुमको देख रहे होंगे, तो उनकी आत्मा ने आकर तुम्हें बचाया क्यों नहीं? वो दल गई होगी। बाप की आत्मा भले ही नीचे ना आए, झंडेश्वर अड्डी की आत्मा ऊपर जाएगी। उसको बाद में मारना, पहले तो जिसने ये रायता फैलाया है उसको फैला दो। कोई बदला ले ला है तुम लोगों से? ए तोतले चुप। इन दोनों को तलवार की धार से नहीं, पेशाब की धार से उड़ाऊंगा। लंबी धार मारना, एक और काम है। बोलना। पूजा। काला जादू करने वाले मंदिर में पूजा नहीं करते। मैं वो पूजा की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी पूजा। अरे किसी दिन पौवा मार के उसको दिल की बात बोल डाल। वो मल जाएगी लेकिन इतने प्याल नहीं करेगी। अबे चाटेकर, भले ही तू बॉस बन गया हो लेकिन हमारी नजर में तू गधा का गधा ही रहेगा। सर झुकाकर बात कर रास्कल। तुम लोगों ने ही तो मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया है। किसी दिन उसी मुकाम से धक्का भी दे दूंगा। हाँ इंग्लिश पंडित बोलो। पापा लाइन पर रहना, सुबह 7:36 पर बोल डालना। मशीन पर भाग रही है ना, वही है। बोल देता हूँ। बड़ा काटा 36 पे तो आने दे। हे बेबे, यू आर लुकिंग फार। लिबर्टी गार्डन चलोगे? लिबर्टी लेंगे। रात रंगीन, मामला संगीन। ट्रस्ट मी बेबे, ट्रस्ट मी। एक रात की तो बात है। ट्रस्ट मी, डोंट रश मी। ट्रस्ट मी, प्राइवेसी की फुल गारंटी है। लुक बिहाइंड। ट्रस्ट मी बेबे, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट मी, हैंगिंग गार्डन में मैं कवर करूंगा। ट्रस्ट मी बेबे, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी बेबे। ठीक है मास्टर, आशीर्वाद दो। जय मास्टर भवा। साथ मिलके मजे करेंगे बेबे। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी बेबे। Yeah.
इंग्लिश पंडित, इंग्लिश पंडित, पंडित तो गयो, मम्मी। अपने पास बुला ले। अरे तुम वहाँ से भागे क्यों पंडित? दरअसल मैं तुम्हारे लिए मंदिर में पूजा करने जा रहा था। पूरे तुम ही नहीं बताया था। अरे इंडियन टाइम के हिसाब से बताया था, ये तो अमेरिका है। ये पहले क्यों नहीं बताया? पहले अगर बता देता तो अभी क्या बताता? हाँ, ये भी बात सही है। ये तो अमेरिका की बैंडिट क्वीन है। जल्दी कोई उपाय बताओ। दूसरे ढूंढ वरना लोग तुझे ढूंढेंगे। लड़की नहीं बदलेगी, एक खराब आदत के लिए 9 अच्छी आदतें इग्नोर नहीं करूंगा। उसकी मार धाड़ और तोड़ फोड़ को मोहब्बत में बदल दूंगा। उसके लिए अपने दिल में एक जिम खोलूंगा। ठीक है, मैं जॉर्ज मंदिर जाके तेरे नाम का बर्गर चढ़ा देता हूँ। ओके पंडित, ड्रैकुला ब्लेस यू। अरे बाप रे, मैंने इन्हें इतनी बुरी तरह मारा। ये तो बहुत डरावना है, तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पागल खाने जाके पूछा, गूगल से भी पूछ लिया, भिखारी से भी पूछ लिया, यहाँ तक कि ट्रंप और जॉर्ज बुश से भी पूछ लिया। मुद्दे की बात करो। हाँ करता हूँ। मैंने सबसे सस्ते और टिकाऊ साइकियाट्रिस्ट को ढूंढ लिया है। अमेरिका के जहाज और मेट्रो में हर जगह उसका पोस्टर लगा हुआ है। उसने पागल एलियंस को भी सुधारा है। 5 दिन और 5 रात जाकर अपॉइंटमेंट लिया है। इतनी मेहरबानी क्यों? मेरी जोरू बनके मेहरबानी उतार दो, मैं मना नहीं करूंगा। जल्दी से चलकर चेकअप करा लो, वो पेशेंट देखने मार्स पर जाने वाला है। उसका हाथ लगते ही ठीक हो जाओगी। Jesus is always with you. Happy Easter. Happy Easter क्या? वेस्ट में पहले ये बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? I'm Anthony. Dr. Anthony Marlo. देख Marlo, तू अकबर है मैं जानता हूँ, अब ये ड्रामा करना बंद कर। हाँ? Who is अकबर? I'm Dr. Anthony. Lady special. Degree from Bangkok. Board पर लिखा है my child. डॉक्टर मान लो एंथनी, डबल रोल लेता है। सच में डबल रोल होता है क्या? धूम थली के अमिल खान देता। ओके, अकबर का जुड़वा लग रहा है। सिट ना बेबी। इसका पूरा नाम है पूजा, लेकिन इसके दिल में है कोई दूजा। नाइस नेम। प्रॉब्लम? तुम्हें देखकर मुझे कुछ कुछ हो रहा है। तुम कभी बड़े बाजार गए हो? चप्पा चप्पा घूमा है। इतकी ताले ताती तुलू हो गई है। मेरे कुछ पार्ट्स खराब हो गए हैं। डोंट वरी, खुल के सब बताओ ना। डॉक्टर और पेशेंट के मिडल में कोई कर्टन नहीं होनी चाहिए। मुझसे छुपाओगे तो बहुत जल्दी कॉफिन में लेट जाओगे। रिलैक्स। ये तो सच का डॉक्टर है यार। मुझे भी यही लगता है भाई, ये अतबल नहीं है। सही कहा तूने, अगर अकबर होता तो हैदराबादी में बात करता ना। इसकी बॉडी लैंग्वेज और लैंग्वेज दोनों चेंज हो गई है। डॉक्टर, yes, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। ये पेशेंट है। नाइस। गरीब गाय की तरह दिखने वाली ये गैया अचानक से कुत्ते बिल्ली की तरह लफड़ा करने लगती है। पूजा जरा अपनी वीडियोस दिखाना। इमेजिन सर, ऐसा कोई लड़ नहीं सकता। ये देखिए सर, उठा उठा के मारती है। डेंजरस। आई नीड टू टॉक टू द पेशेंट। ओके, आप लोग बाहर वेट करिए। और कितना वेट करना पड़ेगा? आके पूत के आधा। तेरा कुछ नहीं हो सकता। तेला भी नहीं भाई, टांग गोदी में रखना। सॉरी। गैला कैसे भाई? डांडीकर, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। इसको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। अपरिचित के हीरो को जो था वही? एग्जैक्टली, बट नॉट एग्जैक्टली। उसके दिमाग के केबिन से करंट पास नहीं हो रहा। अंदर की काली सुनहरी वायर्स आपस में कहीं टच कर रही हैं। जिस दिन वो मुझे मिली, शी विल बी ऑल राइट। थूक लिया डॉक्टर। डॉक्टर को मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। मैं क्यों थैंक यू बोलूं माय चाइल्ड? मैं पेशेंट लाया बोल के तुम्हारा घर चलेगा। सेंटा की ब्लेसिंग से तुम्हें बहुत बिग बीमारी है। खुद लिए कैट को। पूजा के दिमाग का केबल शॉर्ट है, इसका तो पूरा केबिन जल गया है। इसका प्यूदी निकाल दीजिए। कॉलेज में रोज लेकर जाता था, राखी बंधवा कराता था, लड़कियों के सॉफ्ट कॉर्नर के लिए बहुत मनी ट्रांसफर किया। जानता था इसका शॉर्ट सर्किट है, मेला बिल्कुल ठीक है। माय चाइल्ड, तुझे सीरियस बीमारी है। एक अंडा वो भी गंदा। बताओ क्या बीमारी है? मन बुद्धि। सही बोला डॉक्टर, डेढ़ दिमाग है ये। तो बीमारी ने क्यों पकड़ा? गलत लोगों के संगत में है ये। फ्रॉड और छमियाबाज। मुदला भी तुनता है। ए चुबे, ये बताओ पूजा कैसे ठीक होगी? उसे एकांत में थेरेपी दूंगा। उस वायलेंट शेरनी को साइलेंट करने के लिए शी हैज टू फॉल इन लव। वो मेरे प्यार में ही पागल हुई है। वन वे ट्रैफिक है, टू साइड हो जाएगा। शायद उस पे भूत प्रेत चढ़ गया हो, इसीलिए गौमूत्र के 2 ड्रॉप उस पर धीरे धीरे स्प्रे करो। उसके लिए कुछ भी करूंगा। मैं हूं ना, 2 दिन में उसके सारे स्विच ऑन कर दूंगा। मैं ताकतवर, तुम बलशाली, हम सब बाहुबली। हैप्पी ईस्टर। देखो पूजा, डॉक्टर ने तुम्हारा इलाज मुझे बताया है। अगर उसकी बात को तुमने ठुकरा दिया तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मुझे तुमसे वो बात कहनी है जो मैंने आज तक अपने माँ बाप से भी नहीं कही। मेरा मन भी तुमसे कुछ कहने के लिए छटपटा रहा है,
ओ, क्या बात है, मतलब मुझसे पहले तुम बोलोगी? लेडीज फर्स्ट बोलो। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। कौन है वो? पता नहीं। कहाँ रहता है? मालूम नहीं। बकवास, ये अमेरिका है, यहाँ पर पिज्जा बर्गर तो आसानी से मिल जाता है लेकिन सच्चा प्यार करने वाला नहीं मिलता। प्यार का मतलब जानती हो? जो तुम्हारे नहाने के लिए पानी गर्म करके दे, जब तुम सो जाओ तो चुपके से आकर तुम्हारे पैर दबा दे, ये होता है प्यार। मैं दूंगा सच्चा प्यार तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारा पर्सनल बावर्ची बन जाऊंगा। संडे वड़ा पाओ, मंडे मिसल पाओ, कांदा भजिए की तो लाइन लगा दूंगा। इन सब के बदले मुझे बस एक ही चीज चाहिए, तुम्हारा ट्रस्ट। यस, मुझ पे ट्रस्ट करो, तुमसे मैं ट्रस्ट की भीख मांगता हूँ। पूरी दुनिया ट्रस्ट पर चल रही है, ट्रस्ट ही भगवान है, भगवान ही ट्रस्ट है, जिसमें ट्रस्ट नहीं वो इंसान नहीं। सो ट्रस्ट करो फर्स्ट। आई ट्रस्ट यू बेबी, आई ट्रस्ट यू, आई लव यू, आई ट्रस्ट लव यू। मेडिकेटन की हालत कितने की, क्या हुआ? डॉक्टर भी यही सवाल पूछेगा कि क्या हुआ, उसी वक्त तू भी सुन लेना। एक ललती ते माल ताते आते आ, तू है तेली जिंदगी पे। अबे तोटले तेरे को बहुत मजा आ रहा है। हाँ मजा तो आला है। अच्छा होने दे, बहुत मारूंगा। नहीं नहीं जीसस ब्लेस यू, ट्रक से टकरा गए? डॉक्टर ही कहां से किया, कभी मैंने तुझे सीरियस देखा ही नहीं। शुरू से शुरू करता हूँ, जब मैं अंदर गया सक्सेस। ये सक्सेस कैसे हुआ, बहुत पड़ी है डॉक्टर। नो माय चाइल्ड, तुम्हें तो बहुत कम पड़ी है। प्यार का एस्केलेटर चढ़ने में डबल प्लास्टर का चढ़ना तो मामूली बात है, वैसे भी तुम्हारे इस बेगर वाले हुलिये को देखकर वो फ्लैट हो जाएगी। मतलब उससे शादी कर लूंगा तो मेरा हार्ट किडनी लीवर सब फेल हो no, जाएगा। नो माय चाइल्ड, कभी कोमा में भी जाना पड़ता है। मान लो उसे मच्छर ने काटा तो क्या वो उसे घर से बाहर निकाल देगी या फिर उसका कॉलर पकड़ के अपने चुम्बन का बदला लेगी? तेरी बात में मुझे वजन तो लग रहा है डॉक्टर। 24 घंटे में अगर 7 फेरे लेने हैं तो जालिम लोशन का लेप लगाना पड़ेगा। मैं शक्तिशाली, तुम बलशाली, हम सब बाहुबली। हैप्पी हैलोवीन। जाओ देखो वहां। आज अपन इस पार्क के मुरझाए हुए फूल तेरी कब्र पर चढ़ाएगा। क्या कर रहे हैं आप? तो वही है ना हजरत जो वाटा में मिले थे। अकबर? आओ अकबर, वर्जिश कर रहे हैं क्या? बलवंत, पार्क में अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। क्या? और मैं मरते मरते बचा हूँ, अकबर ने मेरी जान बचाई। वाटा कमेटी वाला? हाँ हाँ वही अकबर, तुम यहाँ जल्दी आ जाओ। बस पहुँच रहा हूँ। यहाँ आपका पावर बैंक है क्या मियाँ? क्या है ये? बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे तेरा हाथ है। अपुन के हंसते खेलते परिवार को मार डाला, जिसने तुझ पर भरोसा किया तूने उनके भरोसे को तोड़ा, ऐश्वर्या को मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। गुड बाय विक्रम, फॉर एवर। 4 में से 2 गए तो बचे 2। चंदू यहाँ देख, इसकी भी अंगूठी गायब है। यस सर। सर जो सीसीटीवी की फुटेज मिली है उसमें अकबर विक्रम को गिरने से बचाने की कोशिश कर रहा है। पहली बार सही बोला, ये बात मुझे विक्रम ने फोन करके बताई थी। पार्क में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और मैं भाग रहा था, तभी मेरी बॉडी का बैलेंस बिगड़ा, मैं गिरने वाला था और अकबर ने मुझे बचा लिया। अगर मैं अकबर तक पहुंच गया तो और कोई सुराग मिल गया तो तेरी पगार डबल। वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, तुम्हें उनसे संभल कर रहना पड़ेगा। मैं जानती हूँ,
इसलिए तो अब मैं लोगों की नजर में वो पुरानी ऐश्वर्या नहीं रही, खुद को पूजा नाम से मशहूर कर लिया है। अभी तेरा चाचा जिंदा है ना बेटा, तू फिकर न को कर। ठीक है चाचा। हेलो रोज। गुड मॉर्निंग सर। मार ले। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। हे डांडू, रिलैक्स। डॉक्टर, मेरा बुरा वक्त आ गया है। व्हाट हैपेंड? पूजा टाइम स्क्वायर गई है। तो इसमें तेरा चक्का क्यों जाम है? अरे आप समझे नहीं, बोलिए रात में देर से आएगी। जरूर अपने लवर के साथ रात में फ्रेंच फ्राइज खाएगी। आप चलो मेरे साथ। मैं जाऊंगा तो और देर होगी। आप जानते हो ना, उसके दिमाग का काटा कभी भी सटक जाता है। आप सुई लगा के शांत कर देना। ओ भूल गया, आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। चलिए। ताड़ना बंद करो, वो वहां बैठी है, मूरत लग रही है। जरूर इसे देवी समझकर किसी ने इस पे दूध का अभिषेक किया। You are right. अरे मुझे इसके दिल में डाल दे यार, इसे सोते समय मैं दिखूं, जागते समय भी मैं ही दिखूं, उसे मुझसे प्यार हो जाए। I will try myself. Good boy. अगर मेरा ये काम कर दिया ना तो तुझे अस्पताल खोल के दे दूंगा। चारों कंपनी में 20% शेयर होल्डर्स हो गए। ईच वन गेट्स 5%। कल मेरे बेटे का बर्थडे है और हमने घर पर पार्टी रखी है, तो सभी को आना है। सबको एक साथ मारना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा। मैं क्लाइमेक्स पहले लिखता हूं, कहानी बाद में। अब तक हम कंपनी में 20% शेयर होल्डर्स थे, लेकिन बहुत जल्द 100% के होंगे। कैसे? कल पार्टी में बर्थडे केक नहीं बल्कि उस फैमिली की लाइफलाइन कटेगी। हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मी से ज्यादा ऐश्वर्या प्यारी हो गई। आज के बाद ये अंकल्स भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। जैसे तुमने संजय अंकल, जलाल चाचा और मुझे फीडो रिंग्स पहनाई थी, बिल्कुल उसी तरह इन्हें भी पहना दो बेटा। ओके। जीते रहो बेटा। सत्रह सितंबर को अपन वाटा गया, 18, 19, 20 और 21 अपन वहीं शुरू का, 22 को विक्रम तलवार को टपका डाला, 23 और 24 को क्या हुआ पता नहीं, मेमोरी कार्ड से सब डिलीट हो गया है। कल 25 तारीख है, अपन के बापू का बर्थडे, अपन बापू से मिलने शमशान जाएगा। अपन को उनकी बहुत याद आ रही है। अपन के बापू को लाल लाल रोज बहुत पसंद है,
लेकर जाऊंगा। तुम्हें करोड़ों रुपए देने के बाद भी तुम कुछ नहीं कर पाए। उसके मुंह खून लग गया है, एक एक करके वो हम सबको खत्म कर देगा। खत्म तो मैं करूंगा उसे। तो अब तक क्या किया? सर मैंने आपसे कहा था टिकटॉक देखना बंद कीजिए और काम पे ध्यान दीजिए। वो बंद कर। कल 25 सितंबर है, तुम लोग भूल गए लेकिन मैं नहीं भूला। कल आनंद प्रसाद का बर्थडे है। तुम लोग मुझे मामूली पुलिस वाला समझ रहे हो लेकिन मैं अमेरिकन पुलिस हूँ। कल वो मेटल वाड़ी कब्रिस्तान में अपने बाप के कब्र पर गुलाब का फूल चढ़ाने आएगा और मैं उसे पकड़ लूंगा। मदर की सौगंध। जब FBI को किसी को ढूंढना होता है तो वो उसकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की मदद लेती है और इसके लिए वो अपने सारे कनेक्शंस यूज करती है। सिर्फ हमारी फैमिली जानती है, मतलब अमर। हैप्पी बर्थडे अंकल। दुआ कीजिए कि मुझे अमर मिल जाए, वो जहां भी हो सेफ रहे। बलवंत। हाँ बोलिए। मिल गया वो? मुझसे कुछ ही दूरी पर है। मरने के बाद मुझे वीडियो कॉल करना, उसकी शक्ल देखनी है मुझे। तुम कहो? व्हाइट हाउस के पीछे वाली गली में। नहीं मैं बचा हूँ। अगर कार बुलेट प्रूफ ना होती तो आज मेरी लग गई थी। जा मार क्या उसको। गाड़ी समाप्त नहीं कर ला। डॉक्टर। कौन रे? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम अकबर हो ना? ये अकबर नहीं है, एंथनी, डॉक्टर एंथनी। माँ कसम। कोई भी इन्हें देखकर धोखा खा जाता है, दोनों एक जैसे दिखते हैं। मैं पूजा हूँ और ये मेरा इलाज कर रहे हैं। अब एक मिनट डॉक्टर, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ प्लीज? अकबर एंथनी, अमर अकबर एंथनी, ये तीनों एक ही तो नहीं? एक्चुअली डॉक्टर मैं रात को दवाई ले लेती हूँ तो मुझे नींद नहीं। डॉक्टर, डॉक्टर, ये दूसरा बुके किसने रखा? हाँ, अपन के हाथ से बच गया। उसके लिए तो अपन को फिर से कुछ प्लान करना पड़ेगा, लेकिन ये काय के दौरे पड़ रहे ले। आखिर दूसरा बुके लाने वाला कौन हो सकता है? अमर, अकबर या एंथनी? ये तीनों एक ही हैं या अलग अलग? यही जानना है मुझे। अपन को ये भूल भुलैया अटैक काय को आता है।
कांच टूटने की आवाज सुन के अमर अमर से अकबर बन जाता है। हम सब बहुत ही स्ट्रांग हैं। किसी मानसिक रोगी को देख के वो डॉक्टर एंथनी बन जाता है। अमर, what happened? मैं अमर नहीं हूँ, मैं एंथनी हूँ, डॉक्टर एंथनी। मेरा कोट कहाँ गया? आपने पहना है क्या? ब्लास्ट की आवाज सुन के वो फिर से अमर बन जाता। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, इस बीमारी के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वो आंटी अपन को डॉक्टर एंथनी समझ रही थी और एफबीआई ने अपन को अकबर कहा। आखिर अपन है कौन? क्रिमिनल भले ही लोमड़ी की तरह चालाक हो, भेड़िये की तरह खूंखार हो, ये बलवंत राय उसके गले में पट्टा डालकर उसे खींचते हुए जेल में ले जाएगा। अपन के बापू बोलते थे, जब हम मुश्किलों से घिरे हों तो दुनिया की कोई भी ताकत अपन की मदद नहीं कर सकती है सिवाय अपन के अंदर के हौसले के। अगर हौसले बुलंद हों तो चट्टान का सीना चीर कर भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। इधर आओ भैया, दो प्लेट बर्गर पाओ, दो प्लेट छोले चौमिन, दो प्लेट पिज्जा पाला, और वो जो खा रहा है वो भी दो प्लेट। सब कुछ यही ठूसेगा, बचा कुछ सब कुछ लेकर आ जाऊंगा। शैतान तेरा भला करे। ये क्या बोल के गया? वो बोला कि दिन भर खाता है रात को निकालता है। उसने कहा कि तूने तड़का लगाया। उसने बोला उसको मैं खुजली वाला सांप बना देता, पहले क्यों नहीं बोला? अरे बचा, क्या जलजीरा मिलेगा वो कहाँ डालेगा? अरे इतना कुछ खाऊंगा तो पचाने के लिए कुछ चाहिए ना। क्यों? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। पैसे का क्या हुआ? हम अपने फाइनेंसर के साथ ही बैठे हैं इस वक्त। किडनी निकालने के बाद आपको सारा पैसा दे देंगे। आज ही बेस्ट चाल, ये लास्ट वार्निंग है, 4 दिन का टाइम देता है। तूने तो कहा था झंडेश्वर 3 दिन में उल्टिया करके मर जाएगा, उल्टा वो तो मजे कर रहा है। इसमें मैं क्या करूं? मेंढक बन के खुद को मेंढक बनना है? अगर तुम लोग गलत सामान लाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? गलत सामान? नहीं नहीं, तेरी लिस्ट के हिसाब से लाए हैं। तो फिर क्या क्या बोला था बता? भिंडी बेल्जियम से मंगाई ट्रक में, क्योंकि हमारे पास पैसा कम था। भाई रुक जा, यही फेल हो गया ना तू। अगर बतख के अंडे पर तुम मुर्गी को बिठाएगा तो मोर का बच्चा थोड़ी ना निकलेगा। और अगर निकल भी गया तो पंख फैला के नाचेगा क्या? अरे काम करना, ये जो भी बोले उसे व्हाट्सएप में रिकॉर्ड करके उसको भेज दे, वरना काला जादू पीला होके बाहर निकलेगा। जल्दी कर, काला जादू करना काले धन लाने जितना मुश्किल है। छोटी बुद्धि। अरे ये खाना खा। बेटा मैंने बचपन से तुमको हंसता और खेलता हुआ देखा है, तुमको इस तरह गमगीन देख के मेरे को बहुत दुख होता। जिस दिन से पता चला है कि अमर जिंदा है, मेरे जीने की चाहत बढ़ गई है चाचा। जब भी मेरे को वो मनहूस दिन याद आता है मेरी रूह कांप जाती है। ए जला, बोतल दे ना प्लीज। अब पहले ही तल लिए हैं, बस करो भाई। अभी तो बच्चे खेल रहे हैं, सिर्फ आज के लिए प्लीज गेट इट ना जला। ए टॉमी रुक जाओ। अमर मेरे लिए रुको। टॉमी साबु, खेल शुरू करें? हाँ, एकदम सही वक्त है। ओके, एक ही धमाका काफी है। इस मौसम में आए दिन हीटर्स ब्लास्ट होते ही रहते हैं। अपना गिफ्ट उनके पास रख दिया है, उसमें 4 RDX के पैकेट्स हैं। पूरा घर खाक करने के लिए एक ही काफी है। आज दोनों परिवार खत्म हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। पूरा खानदान खत्म होगा, ट्रस्ट मी। और फीडो पर सिर्फ हमारा कब्जा होगा, ट्रस्ट मी। जब हम लोग मुश्किलों से घिरे हो और पूरी तरह से टूट जाए तो सिर्फ एक ही चीज हमारी मदद करती है, और वो है हिम्मत। कल तक जिस घर में खुशियों का मेला लगा रहता था, हंसी की गूंज सुनाई देती थी, आज वहां मौत का सन्नाटा छाया हुआ है। यह खबर सुनकर बहुत दुख हुआ जलाल साहब। उन्होंने हमेशा लोगों की मदद की, जिंदगी में कभी किसी को जरा सा भी दुख नहीं दिया। समझ में नहीं आता उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। बेटा डोरेमोन देखती हो क्या? मिलना चाहोगी उससे? मैं उससे क्यों मिलूं? क्योंकि डोरेमोन के साथ ही तुम्हारे मम्मी पापा भी वहां रहते हैं।
डिनर पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सच में अंकल? ट्रस्ट मी, जाओ वहाँ। ऐश्वर्या, 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 आपने ऐश्वर्या को देखा? उसे मैंने जंगल की ओर जाते हुए देखा है। कह रही थी कि उसके मम्मी पापा वहाँ रहते हैं और वो उसका इंतजार कर रहे हैं। मॉम, डैड, बेटा ऐशु, ऐश्वर्या, ऐशु, ऐश्वर्या, बेटा ऐशु, देखो, चलो यहाँ से। हे ऐशु, आप इस जंगल में क्यों आई बेटा? वो अंकल, अगर तुमने मुंह खोला तो सबको मार दूंगा। पेड़ तो हमने आराम से काट दिए, पौधों को मुरझाने में टाइम लग रहा है। क्या बात कही है, जैसे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके हमें ऑक्सीजन देते हैं, वैसे ही ये बच्चे हमारी सारी बलाओं का कार्बन डाइऑक्साइड लेके अपनी पूरी प्रॉपर्टी का ऑक्सीजन हमें देंगे। इन दोनों बच्चों के मरते ही फीडो कंपनी अनाथ हो जाएगी और फिर उसका वारिस बनने से हमें कोई ताकत नहीं रोक सकती। अमर, जल्दी उठो, आयशु, आयशु बेटा, बेटा आयशु, उठो, उठो, यार ना, चलो मेरे साथ जल्दी, चलो जल्दी, चुपचाप। जल्दी। ऐश्वर्या, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ अमर, मैंने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने कहा था अगर मैं किसी को बताऊंगी तो हम सबको मार देंगे, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा चाचू। छोड़ना भी नहीं है बेटा, बस सही वक्त आने दो। फिलहाल तुम्हारी जान बचाना मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ से सीधा डेट्रॉइट जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम किसी को भी अपने बारे में कोई जानकारी नहीं देंगे, ना हमारा नाम ना हमारा बैकग्राउंड। लेनदारों की वजह से मुंह छुपा के घूम रहा हूं, लड़कियां भी मुझे देख नहीं पा रही। लगता है इन लोगों ने यूनियन बना ली। क्या बेटू, नाजीज को पहचाना क्या? तुझे मैं बताता हूँ, इस एरिया में इसकी 10 मटन की दुकानें हैं। तेरे टुकड़े करके सबको खिला देगा। फॉरेनर, हाथ हटा। धरवा समझा क्या? अमेरिका की पता ही जमा है। ये मेरी गाड़ी है। क्या गरीब समझा क्या? किस्तों में नहीं लाया, फुल कैश दे के लाया हूं। अबे गाड़ी का तो कैश दे दिया, हमारे कैश का क्या? हाँ तो रो क्यों रहा है, बात तो सुन। ये मेरी गाड़ी है ना, इसको ले जा करके बेच दो और पैसे आपस में बांट लेना। चल बट ले। ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पैसे दे, थोड़ा उधार चाहिए। काय को? अबे इतना बड़ा आदमी हूँ, पैदल जाऊँ क्या?
एक काम कर, मत दे, मैं अपनी गाड़ी से घर जाऊंगा, चाबी ला। रुक रुक रुक, ये ले धंधे के पैसे रख ले। क्या माइलेज दे रही थी, अब भी सीएनजी लगवाया था। क्या मुसीबत है, मुझे नहीं लगता इससे पैसे निकलेंगे। इससे पैसे निकलवाने का मतलब है मुर्गे से अंडे निकलवाना। करेक्ट बोला। आइला, ये इसकी चाबी नहीं है। अरे बाप रे, बॉबी ने फिर से चूना लगा। आज तो बाल बाल बच गया, लगता है बुरका खरीदना पड़ेगा। भाग ले बेटा भाग ले। अबे नल्ले कौन है तू? सर हम दोनों एक ही करेंसी वाले हैं, मेरी थोड़ी हेल्प करो ना प्लीज। कौन थे वो लोग? लेनदार है सर, मेरा नाम बॉबी चूनावाला, यहाँ बिना वीजा के रह रहा हूँ। मेरी खूबी भी वही है और कमजोरी भी वही है। बोल डाल। लोगों से मिलते ही 10 मिनट में उनसे लोन ले लेता हूँ। मैं सोचता हूँ जुए में उसे डबल कर लूंगा, पर हार जाता हूँ। $10,00,000 का उधार है, जितनी जिंदगी में दिन नहीं है उससे ज्यादा तो उधार चढ़ गया है। पासपोर्ट भी गिरवी रखा हुआ है। स्ट्रगलिंग एक्टर से भी बदतर लाइफ है। आई एम पेनीलेस, होमलेस, होपलेस, जॉबलेस। धंधा पानी अपन देगा। हाँ थैंक यू सर, क्या काम करना है? बेबी सिटिंग। बच्चा कौन है सर? पापा ने। सुबह से मैं ही मिलूं क्या? तेरे को अपन पे नजर रखना है, अपना सर्किट गहला है। अपन मालदार है, तेरे को इतना सैलरी देगा कि तू अमीर हो जाएगा और अपन गरीब। अच्छा एक बात सुन बेटा, मतलब तुम्हें ही बताना है कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, अब भी से नौकरी चालू। मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है कि तुम इस वक्त गाड़ी चला रहे हो। ओ, इसका किराया तो बहुत होगा भाई। तुम काम क्या करते हो यार, मुझे भी लगा लो। घर में किधर भी भटक सिवाय इस कमरे के। उसमें भाभी है क्या? ओ सॉरी सर। होलिया ठीक कर ले, बाद में खाना खाते हैं। खाने से पहले पीने को मिलेगा? टंकी फुल कर दूंगा। ये तो माल्या का बाप है। एक काम करता हूँ, इससे भी उधार ले ही लेता हूँ, मेरा क्या जाता है। एक दिन इसको खटमल मारने वाली दवाई मिला के पिला दूंगा, फिर इसका घर बेच के और जुआ खेलूंगा। जुआ तो मैं कभी जीतता नहीं, इसलिए हार के फिर सड़क पे आ जाऊंगा। आइए सर बैठिए ना। सर कच्ची लेंगे या नल का गंदा पानी भर के लाऊं? पूरा भर दूं ना? नहीं नहीं बस कर। इतना पैसा मेरे पास होता तो मैं तो पानी की जगह दारू ही पीता, आप ऐसे कंट्रोल कर रहे हो। चीयर्स। चलो अभी अपन लोग दोस्त। बकवास छोड़, काम की बात बोल। आज मेरा काम पे पहला दिन है, तो अपने बारे में कुछ बताओ ना। पूछना। आपका नाम क्या है? अमर। पिछली जिंदगी भूल गया। शुरुआत करते हैं आपके फेवरेट फूड से। दाल तड़का, बैंगन भरता और कपकेक्स। फेवरेट पिक्चर कौन सी है? बदले की आग। ये तो मार धाड़ वाली फिल्में देखता है भाई। फेवरेट हीरो? सनी देओल। मुझे भी बॉबी देओल पसंद है, दोनों भाई बहुत अच्छे एक्टर है। कांच की बोतलों का यही तो प्रॉब्लम है, टूट जाती हैं। ये तो अच्छी बात है कि मैं सफाई करना भी अच्छे से जानता हूँ। 4 साल अमेरिका की म्युनिसिपैलिटी में था ना, उनसे भी उधार ले रखा है मैंने। आपने तो ड्रिंक पिया ही नहीं। कौन है भाई तू? मैं तो वही हूँ जो थोड़ी देर पहले था। नवाब से मजाका कर रहा? पहचानो सर, बॉबी हूँ। किसकी भाभी? मेरा पठानी किधर है भाई? मैं बंडी में कायकू। लगता है इसको 2 घूंट में चढ़ जाती है। मैं इधर को कैसे आया भड़काऊ? अरे ये आप ही का घर है। क्या बैगन की बात कर रहा? लगता है इना को शराब बड़ी जोरा से चढ़ी है। हावला, 2 ही घूंट में अपना खुद का घर भूल गया ये। कहीं तनख्वाह के दिन भी मुझे भूल गया तो? अरे मियाँ एक बात बता, हम दोनों का रिश्ता क्या होना रे? अपन दोस्त हैं। हम दोनों एक थाली के 2 बैगना है। तो पहले सर खाएकू बोला? सर नहीं बोला था, सॉरी बोला था। तूने टीचर सुना नहीं होगा। 2 घूंट में चढ़ गई तुझे, मैं क्या पूरी रात अकेला पीऊंगा? ले डाल। डालना रे। तू ही डालना। अच्छा मैं मेहंदी लगी है क्या? चल डालना यार। अच्छा नीट ले रहे हो, भैया तो गए। पीले पीले कटकले बेटा कटकले, आज है घर मेरा। अचार किधर है रे? अचार क्या करेगा? अचार चखना। अचार की बोतल टूट गई थी बे। वो अचार मत खाना, उसमें कांच के टुकड़े होंगे बेटा। मेरा चैन खो गया। किधर दिखे मेरा चैन तो देना, बहुत महंगा था। ठीक है मैं ढूंढ के आता। जा रे, चद्दर ओढ़ के सोना। ये तो गजनी है। इसके घर के कमरे किराए पे दूंगा और सारे पैसे लेके लास वेगास जाऊंगा। जुआ खेलता रहूंगा, हारता रहूंगा। लास वेगास आ रहा हूं मैं। ये तो सोने चला गया था। वापस कहीं को आया बे? मेरे को एक शक होना। कैसा शक बे? क्या हम लोग बचपन में डॉक्टर डॉक्टर खेले? खेलने का मन कर रहा है? आईने में तुम्हारी कबूतर जैसी हंसी देखकर मेरे दिमाग में खटखट हो रही। क्या तुम 1 नंबर आके खबीज और 2 नंबर आके मखार हो? मेरी मैली चट्टी पहनता था मैं, आज पैसा आ गया तो भूल गया मुझे। अच्छा मेरी सारी जानकारी तेरे पास है? अबे तुझसे ज्यादा। ये क्या बोल दिया? मेरे पैन कार्ड पे क्या नाम लिखवाएगा? अमर अकबर। अरे पूरा नाम बता रहे हावले। पूरा नाम जोधा अकबर। जलाल अकबर, उस्मान जलाल अकबर, मोहम्मद बिन उस्मान जलाल अकबर। जैसे मेरा कर्जा बढ़ रहा है उसी तरह तेरा नाम बढ़ रहा है। सल्तनतें बदली, मेरा नाम नहीं बदला रे, कब्र की तख्ती पर भी यही होएगा। अबे तो क्या करूं? तेरे खाल की चप्पल पहनूंगा मैं। पहन ले चप्पल,
वो भी चोरी हो जाएगी। उधार पता कितना मेरे पे? ये मेरा गरीब खाना है, जलालुद्दीन अकबर का अमर का घर है। अमर ये कौन है? अमर कौन है मतलब? पीने से पहले तो तू ही था। नलके का पानी नहीं डालना चाहिए था। भाई साहब एक ब्रेक ले लो और एक पैक पी लो। चलो। इतने बाजू इतने सर, गिन ले दुश्मन जान से। इतने बाजू इतने सर, गिन ले दुश्मन जान से। जी जान से। हम सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। पैग लगा के हंसने लगा, कहीं अकबर बाबर तो नहीं बन गया? एक काम करते हैं, सेफ गेम खेलते हैं। अकबर भाई, रियाया कैसी है? Who's अकबर? ओहो, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ ही गए आप। वेलकम बैक अमर सर। कौन अमर? I'm एंथनी। एंथनी मार लो। फिर कैरेक्टर बदल लिया, लगता है इसे एक्टिंग के कन खजूरे ने डंक मारा है। ये घर किसका है? आर यू कंपाउंडर? कंपाउंडर नहीं नहीं, ये तुम्हारा नहीं नहीं, हम दोनों इस घर में साथ रहते हैं भाड़े पे, रूममेट्स। डबल फीस के चक्कर में मैं होम विजिट पर आया हूँ। हैप्पी ईस्टर। तुम्हारे लीवर में कचरा है? क्यों, तुम साफ करोगे उसे? ताड़ी पीना बंद करो। पर अमर तो पीता है, अकबर भी दबा के पीता है। ये अकबर कौन है? तुम ही हो। प्रोसोपोग्नोसिया। ये कहाँ रहता है? तेरी बीमारी। मुझ में तो सिर्फ बीमारी है, तुझ में दो और आदमी है। फेस आईडी का पासवर्ड हिल गया है, सब लोग तुमको सेम दिखते है। हाँ, जब चाइनीज फिल्म देखता हूँ तो ऐसा ही लगता है। इसका इलाज क्या है सर? रात को लौंग चूसो और सुबह बिना आंखें धोए सूरज से आंखें लड़ाओ, तुम्हारा मोती बिंदु पिघल जाएगा। तो अच्छी बात है ना डॉक्टर, अमर को बताने के लिए कुछ तो रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। आपका फेवरेट फूड क्या है डॉक्टर? चिकन पैरासिटामोल। और आपकी फेवरेट पिक्चर? तन बदन। वो तो बायोलॉजिकल पिक्चर है ना। डॉक्टर लाइन में होना। आपसे बड़ा एक्टर नहीं देखा मैंने। बॉबी, पता नहीं मुझे क्यों बहुत जोरों की नींद आ रही है। हाँ तो टेबल पे पैर फैलाओ और सो जाओ, अच्छे से सोना, टेंशन लेना मत और देना भी मत। बेबी सिटिंग के नाम पे बाबा सिटिंग करा रहा है। पहले मालूम होता कि इतनी मेहनत का काम है तो उधार लेके गधी के सर से सिंह की तरह भाग जाता। लगता है आज अमेरिका में दिवाली है, सोने नहीं देंगे ये लोग। अबे ठुमका काय को लगा रहा है? अमर सर कोई शक? आपकी प्रॉब्लम पकड़ ली मैंने। पेमेंट कैसे दोगे, ब्लैक में दोगे या व्हाइट में? क्या प्रॉब्लम है आप उनके? अचानक से बदल जाते हो आप, फिर धीरे से दोबारा बदलते हो, उसके बाद अमर नहीं रहते, आपका मेमोरी कार्ड बदल जाता है। एक चिकन पैरासिटामोल खाता है, दूसरा वेजिटेरियन है, एक को एक्शन फिल्में पसंद है, दूसरे को तन बदन, एक डूबा रहता है, एक सूखा। बोले तो? बेवड़ा। सच्ची? अभी दिखाता हूँ। ये पी के देख। दारू से अपन चेंज हो जाता है? अरे मैं कह रहा हूँ ना, पी के देखना। कटाक जल्दी कटाक। आकाए मुल्क मसीहाए रियाया अकबर को बॉबी का सलाम। ये कौन है बीड़ू? ओहो, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। डॉक्टर तू बोला अपन की सटकती है, ये तो तेरी सटक गई लिए। वन मोर मिनट। कम ऑन, बदल, पलट, निकल, बाहर। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी, आज भी इसे मिस करता हूँ। श्रीदेवी से कुछ नहीं हुआ, माधुरी का गाना लगाऊं क्या? उसे देखकर धकधक होता है। देख भंटाई, आप उनके कंकाल में कंकर फंसेला है, उसे बाहर निकालने का रास्ता बता। किसी तांत्रिक को मिल ले। मेरे लिए अगोरी तू ही है। कुछ ज्यादा भरोसा नहीं कर रहा मुझ पे? आप उनकी गारंटी है, अभी तेरे नाने धोने के वांदे हैं। आप उनकी केयर टेकिंग की तो वॉशिंगटन में तेरी कार वॉश की दुकान होगी। पापा सही बोलते थे, पैसे कमाना बहुत मुश्किल 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 है। Excuse me, FBI. Yes, sir. हमें डॉक्टर एंथनी से मिलना है। Please come in. डॉक्टर एंथनी आप हैं? Yes, I am डॉक्टर एंटोनी. तो फिर ये कौन है? Oh, ये अमर है, a very nice guy. ये आप कैसे बोल सकते हैं? मुंह से और कैसे? डॉक्टर, अमर के साथ बहुत ज्यादती हुई है, उसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, अगर आपको ऑपरेट करें तो उस गरीब का भला हो जाएगा। श्योर ऑफिसर। अमर को आप कैसे जानते हैं? करीब 14-15 साल पहले जब एक बर्फीली सुबह हम पार्क में जॉगिंग कर रहा था तो वहाँ दो बच्चा लोग को बड़ा ट्रबल में देखा। हम दोनों बड़ा रिच फैमिली का लगता था। यस, जॉगिंग के बाद जब रिटर्न होने को हुआ तभी भी वो वही था। हाय, कौन हो तुम लोग? इधर काय को बैठा है? कहीं तुम लोग किसी का वेट तो नहीं करता है? इधर रहना सेफ नहीं है, मालूम है क्या? ओके? ओह, बेबी को तो फीवर है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। कम कम, लेट्स गो, कम ऑन। अरे तुम लोग काय को वरी करता है, मैं डॉक्टर हूँ।
ए जैक, बच्चा लोग एडमिशन के लिए आया है, फॉर्म बाद में भरेगा। नर्सिंग स्टाफ है क्या? यस डॉक्टर। ओके थैंक यू। कौन कौन अपने को ही मैन समझता है? जस्ती नहीं। और कौन कौन अपने को सिंड्रेला समझती है? अनबिलीवेबल। बीमार होने में कोई बुराई नहीं और सैड होने में भी कोई बुराई नहीं, बट एक बात बच्चा लोग हमेशा याद रखो, हम सब बहुत ही स्ट्रांग है। और कुछ दिन बाद मेरे को एक अजीब सा इंसिडेंट देखने को मिला। मैं ऐश्वर्य को बहुत ही डीपली स्टडी किया। शी हैज अ प्रॉब्लम कॉल्ड डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। मतलब नॉलेज के लिए सर? मल्टीपल पर्सनालिटी या बहुत से किरदारों को एक साथ जीना। फिक्र मत करो ऐश्वर्य, मुझसे ज्यादा अमर ऐश्वर्य का केयर करता था। बट वन डे एक और अजीब वाक्य देखने को मिला। हाय, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना है। यहाँ पर सबसे स्ट्रांग कौन है? कुछ ही लोग, लेकिन हम सब ही स्ट्रांग हैं। मैं डॉक्टर एंथनी बोल रहा हूँ, आज मुझे बहुत काम है, प्लीज मुझे बाद में कॉल कीजिए। अमर, क्या हो गया सर? मैं अमर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर एंथनी हूँ, प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। ओके, इसका मीनिंग बोलो तो। मैं समझ गया था, अमर को भी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की बीमारी है। दोनों को एक ही प्रॉब्लम क्यों है, एनालिसिस करने की कोशिश की, और वो था दोनों के बीच का लव। ऐश्वर्या का इलाज करने की मेरी कोशिश की वजह से अमर के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा, पर दोनों के टेंडेंसीज में थोड़ा फर्क है। ऐश्वर्या अचानक से वायलेंट होने के बाद तुरंत ही नॉर्मल हो जाती है, लेकिन अमर उस किरदार को जीने लगता है। मतलब वो बिल्कुल कोई और ही बन जाता है, और कभी कभी तो वो बिल्कुल अकबर की तरह बिहेव करने लगता है। उस किरदार से निकलने के लिए उसे काफी वक्त लगता है, वो कब कौन से किरदार में रहता है पता ही नहीं लगता। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसा ही एक पेशेंट है बिली मिलगन, वो 24 पर्सनालिटीज में जीता है। वो जिनके बारे में उसने कभी पढ़ा था, जिनसे कभी मिला था, जिन्हें कभी देखा था, या और भी कई ऐसी वजह हो सकती है। ये तो यूनाइटेड स्टेट्स का बड़ा ही मशहूर केस है, यानी कि कुछ ऐसे खास ट्रिगर्स थे जिसकी वजह से वो तुरंत बदल जाता। ट्रिगर्स मतलब? मतलब कोई खास आवाज, कोई खास चेहरा, कोई मनपसंद खुशबू, या फिर किसी का टच, और भी बहुत सारी वजह हैं। इससे पहले कि अकबर को उसके प्रॉब्लम के बारे में बताते, एक अखबार में हमारे चैरिटी ट्रस्ट के बारे में एक आर्टिकल छपा। उसमें अमर और ऐश्वर्या की फोटोज थी, और उसी दिन हमारे सेंटर में एक मेंटल पेशेंट एडमिट हुआ। वो पेशेंट नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था। अमर उसके पीछे गया, लेकिन फिर कभी लौट कर नहीं आया। सालों गुजर गए, मुझे लगा कि पीछा करते समय किलर ने अमर को मार दिया होगा, बट पूरा 14 साल के बाद मैं जब यूरोप में था, मेरे असिस्टेंट ने आके बताया, न सिर्फ अमर रिहैब सेंटर में आया बल्कि अपने गायब होने की वजह भी बताई। मालूम है क्या? अपुन ने उस शूटर का पीछा किया जिसने अपनी ऐश्वर्या को जलाया था, गली गली में दौड़ाया अपुन ने उसको, गुस्से में अपुन का पारा एकदम चढ़ गया था, फिर अपुन ने उसको टपका डाला। मामू लोगों ने अपुन को पकड़ा और सीधा कोर्ट ले गए, और हमें पता चला कि उसे मारने के जुर्म में वो आर्थर जेल में 14 साल से कैद था। हमारे सेंटर में उसके बचपन में जो उसकी केयर हुई, उसके लिए उसने $1 मिलियन का डोनेशन दिया। मैं यहां आकर अमर से मिलना चाहता था, लेकिन
बिकॉज ऑफ माई प्रायर कमिटमेंट्स ऐसा नहीं कर पाया, अनफॉर्चुनेट। मेरे असिस्टेंट ने बताया कि अमर कभी कभी मुझ जैसा बिहेव करता है। मेरे लौटने तक अमर यहां से जा चुका था। सीसीटीवी फुटेज में अमर को देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, यहां तक कि उसे, और सच कह रहा हूं, उसे पूरी तरह ठीक न कर पाने का मुझे आज तक अफसोस है। बहुत सताती है बात मुझे। अगर एंथनी आप हैं तो फिर ये अकबर कौन है? मुझे पता लगा कि अकबर नाम का आदमी कई दफा अमर के बारे में पूछता हुआ रिहैब सेंटर आया, पर मैं कभी उससे मिल नहीं पाया। क्या उस अकबर नाम के इंसान ने कभी ऐश्वर्या के बारे में पूछा? नहीं, वो सिर्फ अमर के बारे में पूछता था। ओके, क्या आप याद करके बता सकते हैं कि ऐश्वर्या की मौत के दिन वहां कुछ और हुआ था? या एक लड़का जो ऐश्वर्या के रूम के सामने रहता था, वो अचानक कहीं भाग गया था, उसके बारे में बता सकते हैं? ओह, आई एम सॉरी, वो एक अनाथ था, हमको कुछ नहीं मालूम। थैंक यू डॉक्टर, कभी कोई जरूरत पड़े तो याद करना। गॉड ब्लेस यू माय सन। चंदूराम सर, अगर अकबर मिल गया तो ये केस जल्दी सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट सर। यहां एक और लैंप पोस्ट होना चाहिए था। ये तो साफ हो गया कि विक्रम तलवार को अमर ने ही मारा है, तो फिर विक्रम ने क्यों कहा कि अकबर ने उसे बचाया? सेंट्रल पार्क में बॉम्ब ब्लास्ट किसने करवाया? समझ में आया सर, आज हाफ डे मिलेगा। सॉरी सर, आज डॉक्टर साहब को बोली दूंगा मैं। डॉक्टर, डॉक्टर, अरे ये सुन क्यों नहीं रहा है? ए पागल का डॉक्टर, डॉक्टर मिल गया। डॉक्टर आप यहां रहते हो? कहीं ये भी जॉब पे तो नहीं है? हिस्सा मांग लिया तो? डॉक्टर साहब, ये अकबर तो नहीं है? हाँ, ये तो अकबर को भी जानता है। ये आदमी मेरा रिप्लेसमेंट तो नहीं है? पहले टेस्टिंग कर लेने में ही भलाई है, इस पे ही करता हूँ। ये जैक्सन, माइकल जैक्सन। हाँ, पेशेंट है क्या? नहीं, ये बॉबी है, मेरा शूटर। कंफर्म हो गया, डॉक्टर ही है। शक्ल से पेशेंट लग रहा है। डॉक्टर, पूजा का इलाज कर दो, क्योंकि उसके ठीक होते ही हम दोनों शादी करेंगे। पूजा? ये कौन है? पूजा, अरे मेरी प्रेमिका, मैं आपके क्लिनिक पे उसे लेके आया था ना। वैसे तेरे तार उससे कैसे जुड़े? अरे डॉक्टर, हम दोनों एक दूसरे को जन्मों जन्मों से जानते हैं, और आप ये वायरमैन की तरह तार जुड़ने वाली कैसी बातें कर रहे हैं? अपन को सब याद है, अपन तेरा इम्तिहान ले रहा है, छुपाना मत। ओके डॉक्टर, मैं आपको खुल के बताऊंगा। होल्ड ऑन, तू उधर देख। उसकी डीवीडी मार कर मिलेगी? डीवीडी का जमाना गया डॉक्टर, और वैसे भी वो हमें फुटेज क्यों देंगे, हम उनके सगे वाले हैं। तू पूजा को बाटली में उतार, वो फुटेज देगी। ये हो सकता है। कल सेटिंग कर दे। ओके, पूजा मिल गई तो फुटेज भी मिल जाएगी। एक नंबर। चाचा, आपको क्या लगता है अमर आएगा? उसे आना ही होगा, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। मैडम, ऐश्वर्या कहाँ है? मेरी ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, ये बताओ अमर, अमर कहाँ है? अमर, अमर। हे आयशु, तुम उस कमरे में क्यों जा रही हो? मुझे यही कमरा अलॉट हुआ है। तुम भूल जाओ, अब से तुम्हारा कमरा मेरा है। पर अगर नहीं माना तो बहुत बुरा होगा। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। उसने मुझे निकाल दिया, पता नहीं मैं कहाँ गया। चलो चलकर अमर को ढूंढते हैं। ऐश्वर्या को ढूंढने जरूर आता, कहीं वो उस कातिल का निशाना तो नहीं बन गया? काश मेरा शक गलत निकले। अमर को एक ऐसी बीमारी है जिसमें वो अपने कैरेक्टर को भूलकर दूसरे कैरेक्टर को अपना लेता है। अब यहाँ एंथनी का कैरेक्टर तो पता चल गया, अब ये अकबर कौन है? जलाल अकबर। कौन है वो? उनकी फैमिली का बहुत करीबी फैमिली मेंबर ही समझ लो। तो ये बात है, तभी मैं सोचूं कि ये अमर अकबर के कैरेक्टर में क्यों जा रहा है। पर यहाँ पर एक उलझन और है। ये जो अकबर है वो रिहैब सेंटर आकर सिर्फ अमर के बारे में पूछता है, ऐश्वर्या के बारे में नहीं पूछता। क्यों?
पॉइंट नंबर टू, आनंद के कब्र पर आखिर दूसरा बुके किसने रखा? अब अगर गौर किया जाए तो ये दोनों सवाल एकदम अलग अलग हैं, पर दोनों सवालों को अगर जोड़ दें तो एक सवाल का जवाब हमें दूसरे से मिल जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि ऐश्वर्या अभी भी जिंदा है। सालों पहले ऐश्वर्या को हमारे आदमी ने जलाकर मार दिया था, और उस आदमी को मारने के इल्जाम में ही अमर को जेल हुई थी। मिस्टर साबू मेनन, मैं एक FBI ऑफिसर, शायद आपको पता नहीं, उस दिन बॉडी इस कदर जल चुकी थी कि उसे पहचाना इम्पॉसिबल था। उसके ऑपोजिट रूम का स्टूडेंट, उसका भी कोई अता पता नहीं है। अब मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कंपनी के 80% शेयर होल्डर्स जिंदा है, फौरन ढूंढ निकालो उन्हें। चंदू सर, अकबर को ढूंढने के लिए इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को काम पर लगा दो इमीडिएटली। ओके सर। हम आ गए। संभाल के पूजा, दूध में होता ले। अबे चुप ना, कंट्रोल रखना, डॉक्टर का घर है। हाय ब्रो। तेरा बाप ब्रो। थोड़ा ज्यादा पका, ये भी खाएगी पूजा। तो क्या इसकी पूजा करूं मैं? हम डॉक्टर से मिलने आए हैं ब्रो। डॉक्टर से मिलने? या आज डॉक्टर साहब का क्लिनिक बंद है। कल तो मुलाकात हुई थी उनसे, लेकिन आज नहीं हो पाएगी। अकबर बने हो सकता है, नहीं भी हो सकता। डॉक्टर कब तक आएंगे? डॉक्टर साहब टाइम के हिसाब से कभी नहीं आते, सिचुएशन के हिसाब से आते हैं। हम इंतजार करें क्यों? बहुत टाइम है। लगता है ये भी मेंटल पेशेंट है, डॉक्टर के घर में भर्ती हो गया है। लाल कब से होने लग गए लाल? पूजा, इस मेंटल के हाथ का खाना खाते हैं बेचारे डॉक्टर। बेचारे, इसका नाम क्या है? बॉबी। बॉबी भैया। बॉबी बोलना। आज आपकी छुट्टी, मैं खाना बनाती हूँ। ब्रो घुस गई तो सेप्टिक हो जाएगा। सेप्टिक कैसे होगा? बॉबी भाई आप बता लेते कि डॉक्टर टाइम के हिसाब से नहीं, तितुवेतन के हिसाब से आते हैं, ये मैं तमगा नहीं। ये तो अब तक मैं खुद नहीं समझा, एक बार ट्राई करो ना। अबे चुप कर, तेरे पेरेंट्स ने भी तुझे सिचुएशन के हिसाब से पैदा किया होगा। ओ मां, ओ मां, खून। हल्दी ते दलदी तितो दादा। कुछ भी कर लो, सेप्टिक तो हो गई। ये सब बनाया है कि मंगाया है? टेस्ट करके बताइए कैसा है। क्या स्वाद है भाभी जी, मुर्दा खाए तो खड़ा हो जाए, ट्रस्ट मी। सांबर इतना अच्छा है कि डोसा ही पिघल जाए, ट्रस्ट मी। अमेरिका में बैठ के दमा लूं, कमाल हो गया, ट्रस्ट मी। अब इतना गुस्सा क्यों हो रही है, ट्रस्ट मी। इतनी तारीफ सुन के तो लड़की मुझे किस कर लेती, मैंने तुझे गाली नहीं बाकी, ट्रस्ट मी, 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 ट्रस्ट मी। ब्रो सेम टू सेम हालत मेरी भी हो गई थी, बहुत दर्द होता है यार। चलो उसे देख के आते कैसी है वो। ए, मैं नहीं जाऊंगा, तू जाके देख। 500 मीटर दूर रहेंगे उससे, चला जा। चल, 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 चलो चलो चलो। अबे ये रिलैक्स हो रही है, ये रिचार्ज हो रही है। अरे ये क्या, मैंने फिर धुलाई की। छे, क्या हो जाता है मुझे, आखिर मैं ऐसा क्यों करने लगती हूँ। रोना मुझे चाहिए और रो ये रही है। सॉरी बॉबी भैया। इट्स ओके पूजा, होता है। ओह गुड मॉर्निंग डॉक्टर। बोल भाई, टी-शर्ट में भी अच्छे लग रहे हो। हाय पापा, पूजा वो फुटेज की डीवीडी मिली? सो सॉरी नहीं मिल पाई, सोचा इसी बहाने आपसे मिल लूं और बता दूं। परवाह नहीं। ए बॉबी कौन फोड़ा तेरे को? उस दिन मेरा बैड लक था, आज बॉबी का बैड लक है। मैडम के साथ फ्लर्ट किया? मैंने तो दम आलू की तारीफ की थी, इन्होंने दम ही निकाल दिया। अबे डॉक्टर साहब तुझे मलम लगाएंगे, ठीक हो जाएगा। वैसे पूजा ने आपके लिए आज खाना बनाया है। बस बस। ये तो बहुत टेस्टी है, ये ऐश्वर्या ने बनाए हैं। चकास, अपन वेज बर्गर, हाका नूडल्स सब खाया, लेकिन ऐसा टेस्ट नहीं मिला। कपकेक सॉलिड था, खाकर अपन को फैमिली की याद आ गई। मैं दुआ करूंगी कि आपके अपने आप को जल्दी ही मिल जाए। जिन्हें दिल से याद करते हैं वो एक दिन जरूर मिलते हैं। अब उनकी याद उतनी सॉलिड नहीं कि भगवान के पास से लो। सॉरी। वक्त ऐसा मरहम है कि बड़े से बड़ा घाव भर देता है, पर कुछ ऐसे घाव हैं जो मरने के बाद भरते हैं। अपन मन्नत मांगता है कि जो बंदा तुमको दिल से बेस्ट लगता है वो तुम्हें मिल जाए।
उसने प्रॉमिस किया था और वो अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। इसी विश्वास पे मैं अब तक जिंदा हूँ। इस केस को सॉल्व करना काफी मुश्किल है। एक रिमोट गन की मदद से सेनेटर साबू मेनन की आज दोपहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। FBI केस इन्वेस्टिगेट कर रही है। हत्या की वजह का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। आगे की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। साबू इधर ही रहता है। साबू मेनन का सफर यहीं खत्म होगा। बीच चौराहे पे मरेगा वो। लोग हार्ट की नली बंद होने से मरते हैं, ये रोड की गली बंद होने से मरेगा। अमेरिका के कब्रिस्तान में इसका रिजर्वेशन पक्का। ऊपर का माहौल गर्म है तो ठंडा रहना। मैं जम गया तो? यहाँ का जो बॉस है ना, उसे अपनी बहन से बहुत मोहब्बत है। उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो अच्छी बात है। उसकी बहन का 4 बार ब्रेकअप हुआ है और 7 बार डिवोर्स। वो उसकी जान है। मैं आड़ा फटा तो तेरे वो खड़ा फाड़ देंगे। ये काहे की दुकान है? खिलौने की। मुझे रिमोट वाली कार दिलाओ ना। खिलौने की दुकान में इतनी सिक्योरिटी? अंदर आ जाओ। अबे खिलौने की दुकान में ड्रग्स का धंधा? चुप वरना तेरे को पिला देंगे। यो माइकल। अमर तुम ही हो? यो जॉनसन ने बताया। तेरे को चाहता क्या है मैन? खेलने के वास्ते झुनझुना चाहिए। समझ गया। पीटर टेक हिम डाउन। ओके चलता हूँ। कम सूप में लहसुन भी है। जो बोला था याद है? याद है। बहन को नहीं देखना। ये $10,000 का है, ये $50,000 और ये बड़ा वाला $1,000,000। देखूंगा। देखना भाई। और ये स्टैंड वाली? ये ऑटोमेटिक है। And your gun, gadget से सिंक हो जाता है। पसंद आया? Hey Jinger, what's your name? Bobby. अगर जॉन होता तो क्या उखाड़ लेता? ये नाम तुझ पे सूट नहीं करता। तो मैं क्या करूँ, अपना नाम बदल लूँ क्या? Hey Bobby, सिस्टर का फेस देख के बात करो। वो बोल के क्या बहन को मत देखना, ये कहता है मेरी बहन को देखो। लगता है अभी तक कुंवारी है। इतनी छोटी छोटी निक्कर पहनेगी तो कौन शादी करेगा इससे? Hey, क्या बोला? What you say? What did I say? तू ने निक्कर बोला। How dare you say that? Hey, निक्कर को निक्कर नहीं बोलूंगा तो क्या पैंट बोलूंगा? क्या बोला तूने? बॉस जिसे हम ढूंढ रहे थे ये वही है। हु? अमर। अमर कौन रहे हावले? अकबर। अरे भाई मुझे बचाओ ना, मैं तुम्हारा खादिम। तान के क्यों रखा है, बटन दबाओ। यू केम फॉर गन्स, पैसा फेंक और गन्स लेके बाहर निकल। तुम बोले थे खिलौने लेंगे, यहाँ तो असली बंदूक बिक रही है। बंदूक हाँ बेचना जुर्म है, एक फोना करूंगा पुलिस पकड़ कर ले जाती। अरे अकबर भाई बचा लो मेरे को। लिव हिम, वो जॉनसन का दोस्त है, उसने बताया उसे प्रॉब्लम है। लेट हिम गो। Hey, चिंगूर, मम्मी को बोल तेरा नाम चेंज करे। हट, मैं नहीं करूंगा, मेरा भेजा खराब है, सारी जिंदगी मुझे भी निक्कर पहनाएगी। बहन का मजाक उड़ाएगा। नाक नक्शा बिगाड़ दो, बहुत बदमाश है नू, जनाजा निकालो। अबे पहले तू ही मेरे को लेकर आया, अब तू मरने के लिए छोड़ रहा है। ये चल, मैं तेरे को नहीं जानता मियाँ। ये खालिया दरवाजा खोल। अरे अकबर भाई चार मीनार की कसम, रुक जाओ, निक्कर वाली से निकाह हो जाएगा मेरा, काले बच्चे हो जाएंगे। तू कहीं नहीं जाएगा, मेरी बहन का मजाक उड़ाएगा तू। Bobby, don't worry guys, gun testing की वजह से गोली चली। Relax, okay, relax. Hey Michael, Michael, stop, stop. ये अपुन का खास फंटर है भिड़ू। मैं इसको इधर ही टोकेगा। मैंने निक्कर बोला था यार, इनको कुछ और ही सुनाई दिया। Shut up, Bobby. Michael, थोड़ी गोची हो गई ली है, अपुन का फ्रेंड है, छोड़ दे उसे। इस बार छोड़ता हूँ, because of you. Thank you, भिड़ू. माल रेडी है क्या? तुम श्योर तो हो ना? 100%, किसी को बर्थडे गिफ्ट देना है। एक काम करेगा? वैसे तो किसी काम का रहा नहीं हूँ, पर बोलो। पेंटागन के पीछे वाली पहाड़ी तेरी, जा। क्या फिर से जिल्ले लाई बन गए हो क्या, चलते फिरते मैं पहाड़ियां मार रहे हो? जल्दी गाड़ी निकालो। सॉरी सर, टायर पंचर है, ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरी कार में चलते हैं। बहुत रिस्की होगा, ये कार बुलेट प्रूफ नहीं है। कोई बात नहीं बलवंत, मुझे फ्लाइट पकड़नी है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन चल जल्दी। Thank you.
अमर वो जा रहा है। शूट। What happened? अमर। अमर। बेबी, मेरी क्रिसमस। I'm Anthony. Anthony मारलो। मेरा डॉक्टर कोट कहाँ है? Oh no, तुम फिर भूल गए। Come on, मेरे साथ आओ। बेबी, 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 no bedroom, please. तुम यहीं रुको। New Year की शुरुआत अच्छे काम से करना चाहती हो, बेबी? ए मजनू की छठी औलाद, गाड़ी क्यों रोकी? ब्रेक मारी तो रुक गई। तो ब्रेक मारी ही क्यों? डोंट वरी सर, ब्रेक मारी मगर वो मरी नहीं। बकवास बंद कर, कार हटा। 12:12 से पहले नहीं हटेगी। हर चीज का एक टाइम और एक मुहूर्त होता है। टारगेट फिक्स। मैं कह रहा हूँ जल्दी से कार हटा वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ज्योतिष में बिलीव नहीं करते हैं? अंजाम की बातें कर रहे हो। नहीं हटाऊंगा। क्या करोगे? मारोगे? थप्पड़ मारोगे? गोली मारोगे? मारो ना, मारो ना यार, मैं यही कर रहा हूँ। क्या हुआ? ओह माय गॉड, मैंने टारगेट को उड़ा दिया। खोपड़ी में गोली मारी भाई, मैं गेम जीत गया। गोली तुमने चलाई है? एक साल से ट्राई कर रहा था, आज जाके कामयाबी मिली, मैं गेम जीत गया। किसकी बात कर रहे हो तुम? वीडियो गेम की। किल द सेनेटर, किस द सेक्रेटरी। बचपन से वीडियो गेम खेल रहा हूँ, आज जाके कामयाबी मिली है। मैं उस मर्डर की बात कर रहा हूँ। ये कोई गेम नहीं है, एक रिमोट कंट्रोल है जिससे गोली चली और उसकी मौत हुई। क्या? इस रिमोट की मदद से तूने उसे मार डाला और तूने अपना क्राइम भी कन्फेस कर लिया। मैंने आज तक एक खटमल भी नहीं मारा है, मर्डर तो हो ही नहीं सकता। कसम खाता हूँ सर, कभी गेम नहीं खेलूंगा। मैं इंडिया जा रहा हूँ फसल काटने के लिए। अजीब बात है, सेनेटर की हत्या की छानबीन करने वाले सारे FBI ऑफिसर इंडिया से हैं। अभी तक हमें ये जानकारी मिली है कि उनकी मौत रिमोट ऑपरेटेड गन से हुई है। अमर कहाँ है? अरे बेटा, अमर सर जेल गए, तो पैसे नहीं मिलेंगे। बता, बता वरना तेरी पूरी खाल उधेड़ दूंगा। पता, बता सर, बता एक मिनट। देख, रोज सुबह तू कड़कड़ाती धूप में अपना मोबाइल गेम खेल, सूर्य देव से एनर्जी ले और फिर देखना तेरी शादी पक्की। अच्छा, सेनेटर साबू की हत्या की छानबीन चल रही है, जैसे ही हमें कोई पक्की खबर मिलेगी हम आपको बता देंगे। कैसा है भाई? मिस्टर लेलेकर, FBI ने आपको क्यों याद किया? ऑफिसर को पीठ में खुजली हो रही है, खुजाने जा रहा हूँ। बैठ जाओ। नहीं बोलते तो भी बैठता। ये सब क्या है यार? हेल्प तुझे चाहिए तो मेरे लिए गाड़ी भेजनी चाहिए ना। ये मिस्टर लेलेकर, ये हम लोगों को बचा लेगा। देख के सीरियस आदमी लगता है। लेलेकर ने आते ही पुलिस वालों की ले ली। व्हाट है इसका तो? हाँ, वो तो है। अपनी तरह इसकी भी पिटाई हो जाए तो मजा आएगा ना। ये भी बहुत डीट क्वालिटी है, कुछ नहीं बताएगा। बता तूने सेनेटर की कार पंक्चर क्यों की? सेनेटर हो या प्रेसिडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 77 वाली गाड़ी में हवा भरता हूँ मैं। 77 अब्दुल टायर वाले की जय हो। मेरा लकी नंबर है 7, टैटू भी है, देख लो। अबे गर्मी में भी स्वेटर पहनता है क्या? जानता है इसका नाम? मैंने बोला। अच्छा किया। तुझे पता है क्या? दोस्त मार खाए तो बहुत दुख होता है, ना खाए तो ज्यादा दुख होता है। मम्मी मरी गया है, पापा मरी गया। तूने टायर पंचर की कि नहीं पता? शाम को 6 बजे की। सुन लेलेकर, तेरा बुरा टाइम आने वाला है। एक गाड़ी ढूंढ जिसका नंबर 77 हो और उसके 7 इंच टायर को पंक्चर कर दे। अगले मुलजिम मुगल के बादशाह की तरह चलते हुए आ रहे हैं। बता सकते हैं आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है? मुझे यहाँ आते हुए बहुत दुख हुआ। मेरे दादा के दादा भी कभी पुलिस स्टेशन की सीढ़ी नहीं चढ़े, मालूम है क्या? मिस्टर ऑफिसर, टेल मी हाउ मे आई मदद यू। 7th Avenue रोड को तुमने ब्लॉक क्यों किया था? तुम्हारा बाप वसीयत में वो रोड तुम्हारे नाम लिख के गया था क्या? आई पे रोड टैक्स, गवर्नमेंट ने चालान की पर्ची फाड़ी, मैंने जाके फाइन भर दिया। बात को यहीं दफन करो। दो डंडे पड़ते ही हेकड़ी निकल जाएगी। भाई, मैंने इसका नाम लिया है। और इसने तेरा नाम लिया। रूट डाइवर्ट होने की वजह से उसकी मौत हुई। ओ अच्छा, कौन से कब्रिस्तान में उस दड़ियल का बरियल है? बोल तो ऐसा रहा जैसे उसकी कब्र पे फूल चढ़ाएगा। सेनेटर को मारने की क्या वजह थी? What senator, what murder? Don't rubbish talk. तुमने अपने दोस्त डांडेकर और लेलेकर के साथ मिलकर ये मर्डर प्लान किया। मेरे फ्रेंड्स हो सकते हैं चीप पीपल, पर मैं खानदानी हूँ। मेरे परदादा के परदादा मुगलों का गोबर उठाते थे। बेटा, अब तेरा गोबर निकलने वाला है, बदबूदार। I am from reputed family. ये मालिश वाले का बेटा है सर। ये क्या हाल बना रखा है, कुछ ज्यादा ले लिया क्या? तेरा भी हाल खाल दोनों बिगड़ेगा। बता वो रोड ब्लॉक क्यों किया? बचपन से मुझे ब्लॉक गेम्स खेलने की आदत है। अच्छा, हाँ। मंगल कौन है? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। पैसा दोगे तो वही मुंह खोलूंगा। वहाँ नो एंट्री का बोर्ड नहीं देखा था क्या? हाँ देखा था।
मोटी चमड़ी है। इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट आवाज तो नीड आई हनी सॉरी सॉरी तुम्हारे बाप के साथ बताएगा कि नहीं जल्दी बोल। बताता हूँ। तुझे अपनी ग्रह से गंदगी हटानी है ना? हाँ। तो शेफर्ड रोड की गंदगी हटा के एक ट्रक में भर दे। हाँ। और 7 नंबर गली में उस ट्रक को बीचों बीच खड़ा कर दे। अब आ रहे हैं इंक्वायरी के लिए बॉल, जिनकी चाल है डामाडोल। इन्हें देख के डायन भी अपना मुंह छुपा लेती है। सर आपको क्यों बुलाया, आपने मजा किया है? क्या बकवास कर रहे हैं? कुछ लोग मुझे भूत भगाने के लिए बुलाते हैं, कुछ मच्छर भगाने के लिए और कुछ तो कॉकरोच भगाने के लिए भी। मैं पापों का ड्राई क्लीनिंग भी करता हूँ। पुलिस वालों ने भी अपने पापों का ड्राई क्लीनिंग करने के लिए मुझे बुलाया है। हे लेलेकर, इसने मेरे पुरखों की इज्जत मिट्टी में मिला दी। हम सबकी इज्जत का फालूदा कर रहा है। मैं चीफ फैमिली से हूँ। कल से तो लगता ही है। तुम बस अपनी मन की शांति ढूंढो, तन की शांति खुद बखुद आ जाएगी। मतलब शांति डिसूजा। चुप है पप्पा, वो जरूर आएगी। तुझसे पहले एक ऑफिसर ने मुझे छूने की कोशिश की थी, मुझे छूते ही उसके बदन पर बड़े बड़े फोड़े आ गए। इतना बड़ा काम क्यों किया? आज तक छोटा काम किया ही नहीं ना। जवान विधवाओं को फिर से सुहागन बनाया, बुढ़े लोगों को जवानी का च्यवनप्राश खिलाया और मोहल्ले के सारे आउटडेटेड बुढ़े लोगों का अंतिम संस्कार किया। सेनेटर का मर्डर क्यों किया तूने? छी ये क्या बोल दिया? मैं सिर्फ लोगों की बर्बादी प्लान कर सकता हूँ, मर्डर नहीं। यकीन नहीं हो रहा है तो सुन, उगांडा के प्रेसिडेंट ने मुझे वहाँ की तरक्की के लिए बुलाया था। जब से मैं वापस आया हूँ वहाँ पर भूखमरी शुरू हो गई है। इसकी आंखें देखकर लग रहा है तू ही भूखा मरेगा पॉल। बता, बता। गेंडे की चमड़ी का है, इसका बाप भी बिल्कुल ऐसे था, कभी उफ तक नहीं की। ये कैसा? इसका नाम मैंने बोला, मैंने सोचा ये क्यों बच जाए, इसको भी तो पढ़नी चाहिए। कौन है तू? इंडिया से क्यों आया? मैं तो नींबू मिर्ची वाला हूँ सर। नींबू मिर्ची वाला? काला जादू सर। काले जादू से किसे मारने वाला था? सेनेटर को ना, सेनेटर को मारने वाला था तू। अबे तेरी माँ को खरबूजा मारू। अगर अपन को काला जादू आता तो तू जैसे गोटिया से अपन डंडा थोड़ी रखा रहा होता। तू इसे जादू नहीं आता? अपन सिर्फ दिखता काला है। इसने हमें उल्लू बनाया। काला जादू बिल्कुल नहीं आता सर। तो इसने पीले जादू से कुछ किया होगा। भाई कुछ भी मत बोल, मैं मर्डर नहीं कर सकता, सिर्फ मटर छील सकता हूँ। ये सब करने वाला तो कोई और ही है। उसका नाम बता। अकबर, अकबर भाई, सब कुछ उसी का किया धरा है। ए काला मैजिक, तू काला जादू जानता है या पीला पता नहीं? वो लोग तेरे को फॉलो करते हैं, तू अब उनको फॉलो अप कर, 50,000 रोकड़ा देगा तेरे को। ये ले रख ले। ये पैसा अगर तुमने मुंह पर मारा होता तब भी मैं छोड़ता नहीं। भिखारी चंदू चल। जेल में मालिश वाला मिलेगा क्या? मैं करूं क्या? चुप रह तेरे को काला जादू नहीं आता। नहीं आता तो वो पेड़ कैसे सूखा? चंदू सर, इन जोकरों का अच्छा इस्तेमाल किया उसने। ये सिर्फ उसके प्लान के मोहरे हैं। उसने ऐसा जाल बुना कि किसी पर भी शक न जाए। वाह, सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी। अब इन जोकरों की फौज से हम असली कातिल तक पहुंचेंगे। फिर से हाथ सेकने आ गया ही। अब तो उसकी असलियत जान चुके हो ना? गुड, अब 24 घंटे के अंदर उसे पकड़ कर हमारे हवाले कर दो, वरना तुम मेरे बारे में नहीं जानते। मेरे डर से मुर्दे भी अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। तुम सब भी मुर्दे बन जाओगे। अमर, 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 रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? डॉक्टर, हाय। गॉड ब्लेस यू माय बेबी। मैं आप ही से मिलने आने वाली थी डॉक्टर। मेरी एक फ्रेंड पार्टी दे रही है और अगर आप आएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। श्योर, हैप्पी ईस्टर। तूने बोला था वो जो डॉक्टर है दिखने में एकदम अकबर जैसा है ना? शक्ल एक जैसी है लेकिन हरकतों में बहुत फर्क है। क्यों रे बॉबी? अभी तक ये अमर अकबर की कहानी नहीं जानता? अभी तक मुझे भी नहीं पता। मेरे दिमाग में एक आइडिया फुदका है। अकबर को जाने दो राय का तेल लेने, डॉक्टर को पकड़ते हैं उसके हवाले कर देते हैं। सिंपल। पहली बार इंटेलिजेंट वाली बात की, आई अप्रिशिएट यू। हे, पूजा का मैसेज आया है, आज शाम को 7:30 बजे फुल टू टून पार्टी है। तुम आओगे तो मैं नाचूंगी और पार्टी में डॉक्टर एंथनी भी आने वाला है। ये खचा खचोगच, नाम सही से लेना। चुप रह। डॉक्टर को पकड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ओ माय गॉड ऑफ द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, अपनी लवर पूजा को ठीक करने के लिए डॉक्टर एंथोनी को बचाना ही होगा। पैसे चाहिए तो अमर सर को बचाना पड़ेगा। एक बार पैसे दे दे बस, उसके बाद भले मर जाए। आइए ना डांस करते, आइए ना। तुम नाचो मैं देखूंगा। डॉक्टर एंथोनी नहीं है, लगता है अकबर है। ले लेकर FBI को फोन कर। हेलो सर, अकबर मिल गया है, लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी पकड़ लो। अरे वो भाग
वेलकम सर, अपने प्राणों पर प्ले करके हमने आपके मुजरिम को कैच कर लिया है। कहाँ है वो? Here we go! Hi boys! ये कौन है? इसके बॉस को पकड़ने में लॉस हो गया। अंधेरे में इसके बॉस का हाथ पकड़ने गए लेकिन इसने अपना हाथ दे दिया। तो फिर बॉस कहाँ है? इसका बॉस अमर है। अपने बॉस का नंबर दे। नंबर दे दिया तो पूजा मेरे हाथ से चली जाएगी। बॉस का नंबर नहीं है इसके पास। इसके बॉस का नंबर इसके पास नहीं तो क्या तेरे पास रहेगा? चल फोन दे। एप्पल का ताक खा गया। पासवर्ड, फेस आईडी। मेरा नाम मत लेना सर। तुम्हारा एड्रेस FBI से निकलवाया इसलिए देर हो गई, इसके लिए सॉरी। तुम्हारे दोस्तों को तो मार दिया लेकिन तुम बचकर भाग निकले। तुम्हारे आने की वजह पता चली कि ऐश्वर्या अब तक जिंदा है। बलवंत, अब शक की कोई गुंजाइश नहीं, ये बात साबित हो गई कि ऐश्वर्या जिंदा है। इसकी आंखों के डर ने पूरी कहानी बयां कर दी। और तेरी आंखों में मुझे मौत का डर दिखाई दे रहा है। जब विक्रम मारा गया तो उसे मैंने महज एक हादसा समझा, लेकिन जब साबू भी जहन्नुम पहुंच गया तो मुझे यकीन हुआ कि कोई तो ताकत है जो तुम लोगों को इस धरती से मिटा देना चाहती है। और यह कंफर्म्ड है, अमर जिंदा है। ऐसे ही डरा हुआ देखना चाहता हूँ मैं तुझे। बचपन से वो जो बदला लेना चाहता था वो अब जाके पूरा होगा। तू जिसकी भी पूजा करता है उसे याद कर ले, क्योंकि अब से तेरा आखिरी टाइम शुरू हो गया है। भगवान का सहारा कमजोर लोग लेते हैं। ऐश्वर्य का पता बता दे, जान बख्श दूंगा तेरी। जिस थाली में तूने खाया उसी थाली में छेद किया। उनके एहसानों के बदले मैं अपनी जान खुशी खुशी दे दूंगा, लेकिन बताऊंगा नहीं कि ऐश्वर्या कहाँ है। मार मुझे। तेरे जवाब की जरूरत नहीं मुझे। डिजिटल जमाना। ऐश्वर्या बेबी, मिल गया नंबर। बलवंत। हेलो चाचा। तुम्हारे चाचा का एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ, इस वक्त कहाँ है वो? वैसे अब उनकी तबीयत ठीक है। तुम मुझे अपना एड्रेस बता दो, मेरे आदमी तुम्हें वहाँ रिसीव करने के लिए आ जाएंगे। कौन रे? तुम्हारे पापा का दोस्त बोल रहा हूँ, करण अरोरा। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे पर मैंने मार दिया उन्हें। तेरे हंसते खेलते घर को मैंने वीराने में बदल दिया, बर्बाद कर दिया। पर अब तक दुख सिर्फ इस बात का है कि तुझे तेरे परिवार से नहीं मिला पाया, पर बहुत जल्द मिला दूंगा। मरने से पहले एक गुड न्यूज सुन ले, ऐश्वर्या जिंदा है। एक और खुशखबरी, तेरे जलाल चाचू अब तक जिंदा और इस वक्त मेरे पास है। दीदार करना है तो आ जा। आना किधर है? 9975 शेकलटन। बलवंत, उन दोनों को ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि दर्द को भी दर्द होगा। ऐसी गलती कभी मत करना। उन दोनों को एक दूसरे के सामने मारने की बेवकूफी करोगे तो फंस जाओगे, वो बहुत ही डेंजर है। उसके आते ही बिना वक्त गवाए उसे शूट कर देना। ऐश्वर्या हमारे कब्जे में है, उसे बचाने वो जरूर आएगा पर जिंदा बच के नहीं जाएगा। नहीं बलवंत, उसे तड़पाए बिना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अरोरा, जिंदा रहने के लिए थैंक्स। अगर तू टपक जाता तो तुझे टपकाने अपन ऊपर भी आता। 2 गज जमीन तेरा वेट कर रही है। उस 2 गज जमीन तक पहुंचाने में तुझे 2 जन्म लगेंगे। मेरी जिंदगी की लकीर बहुत लंबी है, ऊपर से लिखवा के आया हूँ। तेरे जिंदगी की लकीर भले लंबी है लेकिन उसे मिटाने वाला व्हाइटनर मेरे पास है। गोली मार देना लेकिन दिमाग खराब इसका। अब क्या गिल्ली डंडा छोड़कर बेसबॉल खेले यहाँ पर? शूट हिम। अरे मार जल्दी से, गोली के पैसे बचा रहे क्या? हाँ?
अंगूठी निकाल बे। चल बे अंगूठी निकाल। ये लो मुझे जिंदा छोड़ दो। जिंदा छोड़ने की एक वजह बता, छोड़ दूंगा। मेरे परिवार को वक्त से पहले खत्म कर दिया, हमारे स्वर्ग जैसे घर को तूने कब्रिस्तान बना दिया। तुम जैसे गद्दारों की वजह से लोग अच्छे लोगों पर भी भरोसा करना छोड़ देते हैं। ये मत भूल कि अशराब तक मेरे कब्जे में है, जाने दे मुझे मरना पछताएगा। चिट्टे के पंख धागे से बांधने के बाद वो हवा में नहीं उड़ा करता। अरे चंदू, ऐश्वर्या यहाँ है तो करण उसे वहाँ क्यों नहीं ले गया? I'm not Aishwarya, I'm Nancy. देश के साथ गद्दारी कर दिया। सर ये बताइए, एक लड़की से लात खाकर आपको कैसा लग रहा है? लात नहीं मारेगी तो क्या पप्पी देगी? हाँ idiot, पता नहीं ऐश्वर्या की जगह ये नैन्सी यहाँ कैसे आ गई। नैन्सी कहाँ तुम? बाइक क्लब रिच। Thank God, इसी वक्त 911 मेमोरियल पहुंचो। और हाँ, ब्लू जींस और व्हाइट शर्ट पहना। Make it fast, Nancy. मैं टच में रहूंगा। ऐश्वर्या खतरे में। Okay. Hi, ऐश्वर्या आप ही हैं? Yes. हम आप ही को लेने आए। Please. Okay. Damn it. सर, हमारी अय्याशी वाली ट्रिप का क्या हुआ? राजवीर के कहने पर मैंने जर्नलिस्ट रॉबर्ट को मारा। फूटी कौड़ी हाथ में नहीं आई और तीन लोग लुढ़क गए। सबकी एक ही वजह है, वो अमर। अब तो उसे सूली पर चढ़ा कर ही दम लूंगा, बचेगा नहीं वो। ऐश्वर्या का बोतले डॉक्टर नहीं हूं, अमर हूं। ये घर मेरा है। पूजा बात क्या है? मैं पूजा नहीं हूं, ऐश्वर्या। आशु, तुम्हारी आशु। की तलाश खत्म हुई। टाइम के साथ दोनों का बीमारी भी खत्म हो जाएगा, एकदम फिट हो जाएगा बच्चा लोग। योर ऑनर, अमर क्रिमिनल नहीं है, उसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की बीमारी है, उस वजह से ऐसा हुआ। योर ऑनर, एक्चुअली इस बीमारी में पेशेंट के नॉलेज में ही नहीं होता कि उसका कैरेक्टर क्या है। वो अपने कैरेक्टर को छोड़ के दूसरे कैरेक्टर में चला जाता है, उसे पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। जब इसने चारों का खून किया तो अंदर से ये खुद नहीं था, कोई और था। God is great. ये अदालत मिस्टर अमर को बेगुनाह करार देती है। आपने उसके फेवर में स्टेटमेंट क्यों दिया?
मैं 7 लोगों का मर्डर कर चुका हूँ, 13 भी कर दूंगा। इस वीडियो को दिखाकर अमर ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो वो मुझे अंदर करवा देगा। मैं तो कहता हूँ ये कैमरा वाले फोन ही बंद करा दीजिए, पर उसके लिए आपको ट्रम्प से बात करनी होगी। वाटा कमेटी के नए चेयरमैन श्री चेतन चिंदी का स्वागत है। नमस्ते। हाल दुख रहे हैं? कहते हो? मैं ठीक हूँ। दूध और लाप डांडे कर, आंखों में टीयर्स क्यों? आप तब तक तो आदत, ये तो खुशी के आंसू है। ए तुन बे, पानी ला। ला रहा हूँ बे, ला रहा हूँ सर। तले ताला दादू कर ला है तू? मैं तो टाइम पास कर रहा था सर। अभी तक नींबू मिलती तोला नहीं। चुप है बाबा। ए बुलाओ तले बाप को अभी। उन्हें बुलाने की क्या जरूरत है? ताला दादू तोल के बुलू दादू तोलू ताल। अमर सर ने पैसे दिए, वो भी मैं जुए में हार गया। इस जगह का नाम लास वेगास नहीं, लॉस वेगास होना चाहिए। लॉस 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 वेगास।